कर रहा हूं फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स का सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट्स है वो है समानता का अधिकार। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। और इस समानता के अधिकार का जो प्रोविजन है आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 तक है। समानता का अर्थ है क्या? ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, आधुनिक अवधारणा है। इक्वालिटी इज ए मॉडर्न कॉन्सेप्ट। अब समानता किसकी मांग करती है? तो सबसे पहली चीज यह यथास्थिति का विरोध करती है, कोई स्टेटस का विरोध करती है। जब कोई स्टेटस का विरोध करेगी, यथास्थिति का विरोध करेगी, तो दूसरी बात विशेषाधिकारों का स्पेशल प्रिविलेज को समाप्त किए जाने की मांग भी करेगी। और जाहिर सी बात है कि जब यथास्थिति का विरोध करेगी, समानता विशेषाधिकारों के अंत की बात करेगी, तो ऐसा जब करेंगे तो सोशल चेंजिंग होगा। तो मैं कह सकता हूं कि सामाजिक परिवर्तन का मार्ग निर्धारित करती है। यानी समानता एक ऐसी अवधारणा है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी, जो कोई स्टेटस का विरोध करते हुए स्पेशल प्रिविलेज को, स्पेशल प्रिविलेज विशेषाधिकार किसको? राजा को, राजा के पुत्रों को, जमींदारों को, वर्ण के आधार पर जो लोगों के पास विशेषाधिकार हुआ करते थे, ऐसे विशेषाधिकारों के अंत की बात करेगी। और जाहिर सी बात है कि जब ऐसा होगा तो सोशल चेंजिंग होगा, समाज में बदलाव होना तय है। तो जब कभी भी समानता के बारे में पूछे तो हमें तीन चीजें याद रखनी होंगी कि यथास्थिति का यह विरोध करती है, विशेषाधिकारों के अंत की बात करेगी, और सामाजिक परिवर्तन का मार्ग निर्धारित करती है। आप देखेंगे कि समानता का अधिकार न तो प्राचीन समय था न मध्यकाल में, यह आधुनिक युग की अवधारणा है। राजा महाराजा के परिवार के लोगों के पास सारे अधिकार थे। या अगर इस दायरे से हम निकलें, जमींदारों के साथ साथ कि जमींदारों के पास भी विशेष अधिकार हुआ करते थे, जो बाय बर्थ मिला करता था। तो आप आधुनिक युग में भी देखेंगे तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। बच्चों के साथ क्या होता था? तो कुल मिलाकर समानता ऐसे एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो कोई स्टेटस का विरोध करते हुए स्पेशल प्रिविलेज के अंत की बात करती है, जिससे सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हो सके, निर्धारित हो सके। समानता का अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। सबके साथ एक जैसा अगर व्यवहार किया जाए तो इसे समाज का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे समानता के दर्शन का जो सार है वह पूरे के पूरे हमारे समानता के अधिकार में देखने को मिलता है। जैसे आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 क्या लिखता है? राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के
समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधियों के समान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर प्रोटेक्शन, नकारात्मक मूल अधिकार राज्य किसी भी व्यक्ति को कौन नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा। तो मैं कह सकता हूं कि अनुच्छेद 14 में जो फंडामेंटल राइट्स से उसका नेचर कैसा है, वह निगेटिव है, नकारात्मक है। नकारात्मक अर्थ कि राज्य को कुछ करने से मना कर रहा है, राज्य के ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है, रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। तो यह मूल अधिकार राज्य के खिलाफ, राज्य के विरुद्ध, कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? राज्य। राज्य कौन? अनुच्छेद 12 किसको नहीं करेगा? व्यक्ति को। यह व्यक्ति कौन है? तो इस व्यक्ति में नागरिक भी शामिल है और विदेशी भी शामिल है। यानी ये वो फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 14 जो सबको प्राप्त है। यानी जो मूल अधिकार केवल और केवल इस देश के नागरिकों को प्राप्त है उसमें आपको सिटीजन्स मिलेगा, नागरिक लिखा हुआ मिलेगा। और जो फंडामेंटल राइट्स सबको प्राप्त है उसमें पर्सन यूज करता है, व्यक्ति इस्तेमाल करता है। अब हम आए इस पर कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। एक विचारक एवी डाइसी एवी डाइसी ने एक सिद्धांत दिया, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। रूल ऑफ लॉ। अब विधि के शासन से हम समझते क्या है, ये मेंस का सवाल होता है और आईएएस में आप देखेंगे तो पीटी के एग्जाम में इसके बारे में पूछा हुआ है। इसके बारे में भी पीटी के बारे इसके बारे में प्रारंभिक परीक्षा में पूछा है यूपीएससी में। और जो मैंने आपको समानता का कॉन्सेप्ट बताया कि यथास्थिति का विरोध, विशेषाधिकारों का अंत और सामाजिक परिवर्तन का मार्ग निर्धारित करती है, यह भी सवाल आ चुका है। एवी डाइसी ने रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट दिया। विधि के शासन का मतलब क्या है कि विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, पाया कहां जाएगा? डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में। डेमोक्रेसी के अलावा नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में कानून का शासन नहीं होता। चाहे हम मोनार्की की बात करें, टायरनी की बात करें, अरिस्टोक्रेसी की बात करें, ओलिगार्की की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, यानी किसी भी देश में राजतंत्र हो, अधिनायक तंत्र हो, कुलीन तंत्र हो, अभिजात्य तंत्र हो, सैनिक तंत्र हो, लोकतंत्र के अलावा जिन देशों में शासन व्यवस्था संचालित होती है, गवर्न होती है, उन गैर लोकतांत्रिक देशों में कानून का शासन नहीं होता बल्कि व्यक्ति का शासन होता है। और वह व्यक्ति कानून से ऊपर होता है। जैसे राजतंत्र में राजा सबसे बड़ा था, लॉ इज ए कमांड ऑफ सॉवरेन। कानून क्या था? संप्रभु का आदेश। संप्रभु कौन? सम्राट, राजा। आज उत्तर कोरिया हमारे सामने है, वहां पर डेमोक्रेसी है, सैनिक तंत्र है, वहां का सैनिक जो प्रमुख है वो सर्वे सर्वा है, उसका हाथ कानून से नहीं बंधा है। तो जिन देशों में लोकतंत्र नहीं वहां पर कानून का शासन नहीं, व्यक्ति का शासन। जब व्यक्ति का शासन होगा तो उसका हाथ बंधा नहीं होगा, वो अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल करेगा। तो जब वह अनियंत्रित शक्ति का, जब अनलिमिटेड पावर, असीमित शक्ति का प्रयोग करेगा तो न तो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होगी, न मूल अधिकार सुरक्षित हो पाएंगे, न विधि का शासन होगा उस देश में। तो ये
डेमोक्रेसी की खासियत है। विडाइसी ने कहा कि लोकतंत्र में विधि का शासन होगा और यह हमारे वहां भारत में रूल ऑफ लॉ इज ए बेसिक स्ट्रक्चर। सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ लॉ को मूलभूत ढांचे में शामिल किया है। विधि के शासन का अर्थ क्या होता है कि हमारे देश में विधि से ऊपर कोई नहीं। हमारे देश में कानून का शासन, कानून के शासन का अर्थ कि कानून से ऊपर कोई नहीं, कानून से ऊपर कोई नहीं। विधि के अधीन होंगे सारे के सारे लोग, कानून के अधीन होंगे। जब कानून से बड़ा कोई नहीं, चाहे हमारे देश में राष्ट्रपति हो या रिक्शा चलाने वाला सामान्य नागरिक हो, सारे के सारे लोग विधि से ऊपर नहीं है, कानून के अधीन हैं। और जब ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है कि मूल अधिकार का संरक्षण होगा, फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन भी होगा। और मूल अधिकारों के प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है क्या कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होगी? तो जिस देश में कानून का शासन होगा वहां पर मूल अधिकार भी होंगे, न्यायपालिका फ्री एंड इंडिपेंडेंट होगी, न्यायपालिका स्वतंत्र होने के साथ साथ निष्पक्ष भी होगी। यह विधि के शासन का अर्थ होता है। सबके हाथ कानून से बंधे होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा, संविधानवाद होगा। और जब संविधानवाद होगा तो औपचारिक संस्थाओं के पास शक्ति होगी, लेकिन सारे के सारे लोग कानून के अधीन होंगे, कानून से बड़ा कोई नहीं होगा। हमारे मूल अधिकार संरक्षित होंगे और न्यायपालिका स्वतंत्र होने के साथ साथ निष्पक्ष भी होगी। तो अगर विधि के शासन के बारे में पूछे तो कम से कम हम प्रारंभिक परीक्षा में इस सवाल को सही ढंग से अटेम्प्ट कर सकते हैं। एविडाइसी ने जब यह कहा कि लोकतंत्र में किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि कानून का शासन होगा, तो इसी कानून के शासन यह सिद्धांत है और इसी सिद्धांत का यह अंग है विधि का, विधि के समक्ष समानता, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज, हमारे देश के संविधान को बनाने वाले जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने इस विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता इक्वलिटी बिफोर लॉ को ब्रिटेन से लिया। और इसको हमने लिया कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। कभी कभी फैक्चुअल सवाल है जो पूछता है कि विधि के समक्ष समानता कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। और विधियों के समान संरक्षण कहां से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। विधि के शासन के ये दोनों अंग हैं, ये दोनों के दोनों अंग हैं। अब आप समझिए, मैं पहले पे आ रहा हूं। विधि के शासन का अर्थ कि डेमोक्रेसी में किसी व्यक्ति का शासन नहीं होगा बल्कि कानून का शासन होगा। किस कानून का शासन होगा? जिससे बड़ा उस देश में कोई नहीं, जिससे बड़ा उस देश में कोई नहीं। सारे के सारे लोग क्या होंगे? विधि के समक्ष क्या होंगे? समान होंगे, इक्वलिटी बिफोर लॉ। कानून की नजरों में सब एक समान होंगे, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो। कानून की नजरों में सब एक समान होंगे। अब कानून की नजरों में सब एक समान होंगे, इसका अर्थ क्या है? राज्य जब भी कानून बनाएगा, राज्य कहें
या पार्लियामेंट कहें या लेजिस्लेचर कहें या हम व्यवस्थापिका लिख दें, हमारे देश में ऐसे कानून का शासन है जिसकी नजरों में सब क्या है, एक समान है। एक समान का अर्थ कि इस लेजिस्लेचर के द्वारा जब भी कोई कानून बनाया जाएगा, जो भी विधि बनाई जाएगी, जो भी रूल बनाया जाएगा, जो भी रेगुलेशन बनाए जाएंगे, जो भी एक्ट बनाए जाएंगे, वह कानून सभी लोगों के लिए एक समान होगा, अलग अलग नहीं होगा। फ्रांस जैसा देश है जहां पर आप देखते हैं कि वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, हमारे देश में प्रशासक के लिए भी यही कानून है, इस देश के सिविलियन के लिए भी यही कानून है। तो विधि के समक्ष समानता का अर्थ कि व्यवस्थापिका के द्वारा जब भी कानून बनाया जाएगा वह कानून सारे लोगों के लिए क्या होगा, एक समान होगी, अलग अलग नहीं होगी। कि राष्ट्रपति के लिए अलग, उपराष्ट्रपति के लिए अलग, इस देश के नागरिकों के लिए अलग, अधिकारियों के लिए अलग, कर्मचारियों के लिए अलग, किसानों के लिए अलग, मजदूरों के लिए अलग, महिलाओं के लिए, ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट के द्वारा जब भी कानून बनाया जाएगा वह कानून सारे लोगों के लिए एक समान होगा। एक अर्थ तो यह हुआ विधियों के समान संरक्षण का अर्थ देखें। इक्विलिटी बिफोर प्रोटेक्शन, विधियों के समान संरक्षण। जब हम इसकी व्याख्या करते हैं, जैसा कि पहले की व्याख्या किया कि कानून की नजरों में सब एक समान होंगे, स्टेट हैव नो पावर टू कंपेल एनी पर्सन, बिहाफ ऑफ इक्विलिटी बिफोर ला, राज्य को अधिकार नहीं कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से वंचित कर दे, नकारात्मक प्रकृति। लेकिन जब हम इसकी व्याख्या करते हैं, यानी दूसरे वाले की व्याख्या करते हैं, तो यह पॉजिटिव निकलता है, सकारात्मक। राज्य को करने के लिए कहा जा रहा है क्या, विधियों के समक्ष संरक्षण या विधियों के समान संरक्षण। विधियों के समान संरक्षण का अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना विधियों के समान संरक्षण का अर्थ नहीं होता। फिर होता क्या है, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, इसका अर्थ कि अगर कंडीशन एक जैसा है, कंडीशन इक्वल है, तो बिहेव कैसा होगा वो भी एक जैसा होगा, और अगर हालात बदले असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार, हालात बदलेगा तो व्यवहार भी राज्य का बदल जाएगा। विधियों के समान संरक्षण का अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। अगर हालात एक जैसे हैं तो व्यवहार एक जैसा होगा, हालात अलग अलग हैं, डिफरेंस हैं, तो डिफरेंस व्यवहार होगा। आपको मालूम है कि बालक के लिए 7 वर्ष कि 7 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा क्राइम करता है तो उसकी परिस्थिति अलग, उसके साथ अलग व्यवहार होगा। मैं अगर वही क्राइम करता हूं तो मेरे साथ व्यवहार अलग होगा। समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार, इसके एक नहीं बहुत से उदाहरण हैं। जैसे विधवा पेंशन है, विधवा पेंशन है, सारी की सारी विधवाओं के लिए पेंशन की बात नहीं की गई है,
समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार। विधवा पेंशन लाया गया, विधवाओं को पेंशन दिया जाता। अब आपको जानना होगा कि क्या सारी विधवाओं को, विधवाओं को राज्य तो पेंशन देकर प्रोटेक्शन दे रहा है, लेकिन ऐसी विधवा को जिसके जीने का कोई सहारा नहीं है, वह उसका जीवन उसके पति के ऊपर आश्रित, पति की मौत हो गई तो जरूरी है कि उसके जीने का सहारा राज्य के द्वारा किया जाए, राज्य उसे प्रोटेक्शन दे। ऐसी बहुत सी विधवाएं हैं जिनके पति की मौत हो गई लेकिन आज ऑफिशियल वर्क करती हैं, ऑफिशियल जॉब करती हैं, सिविल सर्वेंट हैं। ऐसी विधवाओं के लिए विधवा पेंशन नहीं है, उन विधवाओं के लिए विधवा पेंशन का प्रोविजन किया गया जिनके जीने का सहारा कोई नहीं है। समान परिस्थितियों में असमान व्यवहार, असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार। आप वृद्धावस्था पेंशन देखेंगे या विधवा आवास देखिए, राज्य क्या कर रहा है, विधियों के समान संरक्षण प्रदान कर रहा है, यानी समान परिस्थितियों में समान व्यवहार कर रहा है, असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार कर रहा है। विधवा आवास दिया जाता है, किस विधवा को आवास दिया जाता है, जिसका कोई घर नहीं, कोई आवास नहीं, पति की मौत हो गई, जीने का कोई सहारा नहीं, विधवा पेंशन, रहने के लिए घर नहीं, आवास दिया जा रहा है। मातृत्व लाभ योजना आप सुने होंगे, मातृत्व लाभ योजना दी जाती है, प्रसूति सहायता दी जाती है, प्रसूति सहायता दी जाती है, बच्चों को दोपहर में मिड डे मील दिया जाता है, अनुच्छेद 21 के कैपिटल ए में फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया कि 6 वर्ष से ज्यादा और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को राज्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। 6 वर्ष से ज्यादा और 14 वर्ष से कम बच्चों को, कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। अब अगर उनको फ्री में एजुकेशन दिया जा रहा है तो 14 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चे फ्री में एजुकेशन की मांग नहीं कर सकते, परिस्थितियां उनकी क्या हो गई, असमान हो गई। तो असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार और समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। कानून देख लीजिए, इनकम टैक्स का आप देखते होंगे, इनकम टैक्स के बारे में जो कानून है उसके 3 स्लैब आप पढ़ते होंगे, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपके सामने। बहुत से ऐसे इस इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते, वो टैक्स नहीं देते। तो अगर विधियों के समान संरक्षण का अर्थ यह होता कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, तो अगर एक व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाती तो वह यह बात व्यक्ति बोलता कि कानून की नजरों में सब एक समान हैं और विधियों के समान संरक्षण का अर्थ है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार, तो अगर मुझे मृत्युदंड की सजा दी जा रही है तो सबको मृत्युदंड की सजा दी जाए, सबके साथ एक जैसा व्यवहार इसका अर्थ नहीं होता। मैं 20 वर्षों के इस लाइफ की बात मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत से ऐसे बच्चे आए जिनके पास पढ़ना तो चाहते थे, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो आज सिविल सर्वेंट हैं, लेकिन पैसा नहीं था। तो आप बताइए कि क्या उनके साथ मेरा व्यवहार कैसा होगा? निश्चित रूप से हालात बदलेंगे, व्यवहार बदल जाएगा। कि अगर 30,000 फीस है और वह बच्चा 5,000 देने की क्षमता रखता है तो 25,000 या 30,000 फीस देने वाला यह नहीं कह सकता कि हमारे साथ अलग व्यवहार कर रहे हैं। हालात बदलेंगे, व्यवहार बदल जाएगा। अब ऐसे अनुच्छेद 14 के एक्सेप्शन के रूप में, अपवाद के रूप में जो कहा जाता है वो दो लोगों को कहा जाता है कि अनुच्छेद 14 के एक्सेप्शन कौन हैं? तो दो हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति और राज्यपाल, जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं, ये दो ऐसे हैं जिन्हें आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन कहा जाता है। इन दोनों के बारे में आप उठाकर देखेंगे कि आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुखों को कुछ प्रोटेक्शन दिया गया जो बाकी किसी को नहीं दिया गया है। इसी वजह से राष्ट्रपति और राज्यपाल को अनुच्छेद 14 का अपवाद कहा जाता है। इस 361 में 4 सेक्शन हैं। सेक्शन 1,
क्या कहता है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल अपने पद की शक्ति और कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। ये देखिए एक्सेप्शन है अनुच्छेद 14 का कि राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, अपने पदावधि के दौरान जो उसके पावर्स हैं, जो उसके लाइबिलिटीज हैं, ऐसे शक्ति और कर्तव्यों का पालन करते हुए जो भी कार्य करता है उस कार्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। दूसरा क्या कहा गया, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल कि पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दांडिक कार्रवाई संस्थित या चालू नहीं रखी जाएगी। देखिए दूसरे के बारे में एक्सेप्शन के रूप में क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, अपने पदावधि के दौरान उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई क्रिमिनल इश्यूज इंस्टीट्यूटेड संस्थित या चालू रखना चालू नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल की पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दांडिक कार्रवाई संस्थित यानी क्रिमिनल प्रोसीजर चालू नहीं किया जाएगा, कोई क्रिमिनल प्रोसीजर चालू नहीं किया जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरे में देखिए राष्ट्रपति, राज्यपाल की पदावधि के दौरान उनके विरुद्ध गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका जारी नहीं की जाएगी। आर्टिकल 361 का सेक्शन 3 कि राष्ट्रपति हो चाहे राज्य का राज्यपाल हो या राज्य प्रमुख हो, उसकी पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी भी न्यायालय से कोई आदेशिका जारी नहीं किया जा सकती, अरेस्ट करने के लिए या इंप्रिजनमेंट के लिए किसी भी कोर्ट से कोई आदेशिका जारी नहीं की जाएगी।
और आखिरी बात जो मैं बोल रहा हूं कि राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, अपने पद ग्रहण करने से पहले या पद ग्रहण करने के पश्चात व्यक्तिगत हैसियत में किए गए किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय में सिविल वाद चालू किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है फिर एक बार सुन ले कि राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, पद ग्रहण करने से पहले या पद ग्रहण करने के पश्चात राष्ट्रपति राज्यपाल अपने व्यक्तिगत हैसियत से जो भी कार्य करते हैं उस कार्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में सिविल प्रोसीजर लाया जा सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है और लाया किस लिए जाएगा? कंपनसेशन के लिए, अनुतोष का दावा करने के लिए कि व्यक्तिगत हैसियत में जो भी कार्य किए हैं चाहे राष्ट्रपति किए हों चाहे राज्यपाल किए हों उनके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति अनुतोष का दावा कर सकता है। कंडीशन क्या है कि अनुतोष का दावा करने वाला व्यक्ति का नाम होना चाहिए, प्रोसीजर का नेचर होना चाहिए और ऐसा लिखित सूचना राष्ट्रपति या राज्यपाल के कार्यालय को दिया जाना चाहिए और दिए जाने के 60 दिन व्यतीत हो जाना चाहिए, 60 days। यानी राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद ग्रहण करने से पहले या पद ग्रहण करने के पश्चात अपने व्यक्तिगत हैसियत में कोई कार्य किया गया तो ऐसे कार्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई भी व्यक्ति अनुतोष का दावा करने के लिए सिविल वाद ला सकता है। कंडीशन क्या है कि जो भी अनुतोष का दावा व्यक्ति करेगा उसे राष्ट्रपति या राज्यपाल के कार्यालय को लिखित सूचना देनी होगी और लिखित सूचना के 60 दिन के बाद उसके विरुद्ध राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध सिविल वाद लाया जा सकता है। यह अनुच्छेद 14 के अपवाद हैं जिसका प्रोविजन है आर्टिकल 361 में। और उठा के आप देखिएगा कि 2018 में, 2018 में या 17 में यूपीएससी में 361 को ही उठाकर चार ऑप्शन बनाकर दे दिया था। अगर मैंने आपके बीच 361 के सेक्शन 1, 2, 3 और 4 के बारे में चर्चा की तो उम्मीद मैं आप लोगों से करूंगा कि 1, 2, 3, 4 इसको याद आप कर लें बेयर एक्ट से, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट होगा उससे आप याद कर लेंगे तो बेहतर होगा। एक और बात कि जो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता में यह कह रहा है कि राज्य जो भी कानून बनाएगा वह कानून सारे लोगों के लिए एक सा होगा, इसमें राज्य रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकता है, युक्तियुक्त वर्गीकरण कर सकता है, लेकिन युक्तियुक्त वर्गीकरण बोधगम्य अंतरक पर आधारित होना चाहिए और वर्गीकरण जिस उद्देश्य से कर रहा है उसके बीच तार्किक संबंध होना चाहिए। यानी राज्य कानून बनाएगा और उस कानून को बनाने के लिए वह रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकता है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन करने के लिए जैसे भौगोलिक या क्षेत्रीय स्थिति के आधार पर वर्गीकरण कर सकता है। आप देखते होंगे कि समतल इलाके के रहने वाले लोगों के लिए लंबाई ज्यादा होती है और पहाड़ी इलाके के रहने वाले लोगों के लिए लंबाई कम होती है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो। ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन, राज्य को ऐसा कानून बनाने का अधिकार है। यानी राज्य विभेद नहीं कर सकता, जैसा कि पीएन भगवती ने 1980 के दशक में मेनका गांधी के मामले में राइट टू इक्वालिटी के इंटरप्रिटेशन किया कि यह राज्य के मनमानेपन पर रोक लगाता है, लेकिन राज्य रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकता है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन के लिए क्या आधार होने चाहिए? तो भौगोलिक स्थिति हो सकती है, क्षेत्रीय स्थिति हो सकती है, कारोबार की प्रकृति के आधार पर हो सकता है, अपराध हो सकता है, अपराध की प्रवृत्ति के आधार पर हो सकता है। तो ऐसा रीजनेबल क्लासिफिकेशन करने का अधिकार राज्य को है। यह वही अनुच्छेद 14 है जिसे हम लीगल इक्वालिटी कहते हैं, कानूनी समानता कहते हैं। और डेमोक्रेसी की तो यही खासियत है कि क्या लोकतंत्र में इसके बारे में कहा गया कि वैधानिक समानता, अनुच्छेद 14 वैधानिक समानता या कानूनी समानता, इसमें राज्य क्या करता है अपने वहां रहने वाले सारे लोगों को लीगल पर्सनालिटी का, कानूनी व्यक्तित्व का एक जैसा मुखौटा पहना देता है, यानी सारे लोग एक जैसे हो जाते हैं।
ना कोई अमीर रह जाता है ना कोई गरीब रहता है। कानून की नजरों में सब क्या हो जाते हैं, एक समान हो जाते हैं। यानी राज्य जब भी कानून बनाएगा वह कानून सारे लोगों के लिए एक होगा, लेकिन राज्य रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकता है। ऐसे रीजनेबल क्लासिफिकेशन के संदर्भ में ही 1980 के दशक में पीएन भगवती ने अनुच्छेद 14 की व्याख्या की मेनका गांधी वाले केस में, आपको याद होगा, और कहा कि समानता या अनुच्छेद 14 एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, एक गतिशील अवधारणा है जो राज्य के मनमानेपन पर रोक लगाता है, यानी उसके आर्बिट्री पावर पर रोक लगाता है। तो जब कानून की नजरों में सबको एक समान बना दिया गया, जिसे हम वैधानिक समानता कहते हैं या कानूनी समानता या लीगल इक्वालिटी, अब जरूरी था, क्या जरूरी था, सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता, जिसका प्रोविजन किया गया आर्टिकल 15 में, सामाजिक समानता जिसको कहते हैं। कानून की नजरों में तो सब एक हो गए, लेकिन अभी भी हमारे समाज में आप देखेंगे तो धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो जरूरी था कि ऐसे सामाजिक विषमता को समाप्त किया जाए, और ऐसी विभेदकर्ता कौन था, तो राज्य करता था उस वक्त, और इस देश के नागरिक भी करते थे। इस देश के नागरिकों के द्वारा भी नागरिकों के साथ भेदभाव किया गया, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर। तो राज्य ने भी धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, मूल वंश के आधार पर भेदभाव किया है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान को बनाने वाले लोगों ने इस सामाजिक समानता को स्थापित करने की घोषणा की, जिसकी हेडिंग दी गई धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, विभेद का प्रतिषेध। यह अनुच्छेद 15 की हेडिंग है, कभी कभी मिलाने के लिए देता है प्रारंभिक परीक्षाओं में, जैसे अनुच्छेद 14 को दे तो विधि के समक्ष समानता हो जाता है, 15 को दे तो वो आपके सामने मैंने लिखा है, रिलीजन लिखा है, यहां पर ओरिजिन लिखा है, यहां पर कास्ट है, ये सेक्स है, और यहां पर बर्थ प्लेस है, ये पांच बेस हैं। इन पांचों में से किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिटेड किया गया है, और इसी का डिटेल्स देता है क्या 15 का सेक्शन 1, आर्टिकल 15 का सेक्शन 1 किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। एक बात, एक महत्वपूर्ण चीज, ये वो फंडामेंटल राइट्स है जो सिर्फ और सिर्फ इस देश के नागरिकों के पास है, और देखिए आ रहा है 15 के सेक्शन 1 में क्या कहा गया कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल वही पांच आधार हैं में से किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा। देखिए 15 का सेक्शन 1 राज्य के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, कौन नहीं करेगा, राज्य नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ रिलीजन, ओरिजिन, कास्ट, सेक्स एंड बर्थ प्लेस। राज्य डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा किस आधार पर, इन पांचों में से किसी भी आधार पर, किसके साथ, नागरिक के साथ। यानी ये वो फंडामेंटल राइट्स है जो सिर्फ और सिर्फ इस देश के नागरिकों को है, फॉरेनर्स को नहीं है। विभेद नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा, राज्य नहीं करेगा, राज्य कौन, मैंने आपको बताया आर्टिकल 12, कौन नहीं करेगा, राज्य नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा,
किसके साथ, नागरिक के साथ, किस आधार पर, इन पांचों में से किसी भी आधार पर नागरिक के साथ कोई डिसेम्पशन नहीं करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य करता था, इसका मतलब राज्य के ऊपर प्रतिबंध लगाने का मतलब कि राज्य करता था। जब अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया या अंग्रेजों से पहले जो नॉन डेमोक्रेसी थी हमारे देश में, चाहे मुगलों ने शासन किया हो या दिल्ली सल्तनत वाले शासन किया हो या मौर्य साम्राज्य हो या गुप्ता साम्राज्य हो या सातवाहन हो या हर्यक वंश हो, शुंग हो, कन्ना हो, कोई भी हो, सबने धर्म के आधार पर भेदभाव किया, जाति के आधार पर भेदभाव किया। और अंग्रेजों का जब शासन स्थापित हुआ तो उस दौरान भी राज्य था और राज्य ने धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव किया है। इसलिए जरूरी था, क्या जरूरी था, कि वाह मूल अधिकार जो राज्य के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध का मतलब राज्य के ऊपर प्रतिबंध। देखिए 15 का सेक्शन 21 के ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है, नकारात्मक प्रकृति का मूल अधिकार, नेगेटिव नेचर का फंडामेंटल राइट्स है ये आर्टिकल 15 का सेक्शन 1। क्या कि राज्य नहीं करेगा, नकारात्मक क्या नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, किसके साथ, नागरिक के साथ, किस आधार पर, इन पांचों में से किसी भी आधार पर। तो मैंने आपसे यह कहा कि इसका अर्थ यह हुआ कि पहले करता था, अब नहीं करेगा, एक बात। और दूसरी चीज कि देखिए यहां पर केवल शब्द लिखा है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल, इन पांचों में से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसका दूसरा पहलू यह होता है कि इन पांच के अलावा दूसरे आधार पर राज्य डिस्क्रिमिनेशन कर सकेगा। राज्य धर्म के आधार पर, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन पांच के अलावा दूसरे आधार पर कर सकेगा। जैसे आयु के आधार पर, आयु के आधार पर करने का अधिकार है, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, शारीरिक मापदंड के आधार पर ऐसा करने का अधिकार है राज्य को। केवल का अर्थ कि केवल इन पांचों में से किसी भी आधार पर नहीं करेगा, लेकिन इन पांच के अलावा दूसरे आधार पर करेगा। करने का अधिकार है किसको, राज्य को। उसी को हम नाम देते हैं रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन, युक्तियुक्त विभेदीकरण, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। युक्तियुक्त विभेदीकरण, राज्य विभेद करेगा किस आधार पर, इन पांच के अलावा दूसरे आधार पर कर सकेगा। जैसे विकलांग हो, विकलांगों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकती है, राज्य को अधिकार है। 15 का सेक्शन 2 क्या कहता है, किसी भी नागरिक को, किसी भी नागरिक को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर दुकानों, होटलों, सड़कों, सार्वजनिक भोजनालयों, तथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश से या राज्य निधि से पूर्णतः या भागतः सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्मित, सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्मित कुआं, तालाब,
स्नान घाट या सार्वजनिक समागम के उपयोग से निवारित नहीं करेगा। अब देखिए 15 का सेक्शन 1 राज्य के ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ इन पांचों में से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, इन पांच के अलावा दूसरे आधार पर कर सकेगा। तो 15 का सेक्शन 1 जहां पर राज्य के ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है, यह 15 का सेक्शन 2 हमारे ऊपर भी प्रतिबंध लगा रहा है, इस देश के नागरिकों के ऊपर भी प्रतिबंध लगा रहा है कि हम में से कोई भी नागरिक किसी भी नागरिक को इन पांचों में से किसी भी आधार पर, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान में से किसी भी आधार पर, कहां पर, दुकानों, होटलों, सड़कों, सार्वजनिक भोजनालयों तथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश से मना नहीं करेगा। आप देखिए कि जब देश के आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो आपको मालूम है कि जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग थे उनको सड़कों पर चलने का अधिकार नहीं दिया जाता था, सड़क पर नहीं चल सकते, जो तालाब थे उन तालाबों के पानी का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे, कुएं के पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अंबेडकर के बारे में आप लोगों को मालूम है कि किन ऐसी दुश्वारियों को उन्होंने सामना किया। तो ये राज्य के ऊपर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ हमारे ऊपर भी प्रतिबंध लगा रहा है, इस देश के नागरिकों के खिलाफ भी ये मूल अधिकार है। मूल अधिकार केवल राज्य ही के विरुद्ध नहीं है, हमारे भी खिलाफ है। जैसे 15 का सेक्शन 2 हमको ये बात कही जा रही है कि हम किसी भी नागरिक को इन पांचों में से किसी भी आधार पर, कहां पर, दुकान में जाने से नहीं रोक सकते, सड़क पर चलने से नहीं रोक सकते। होटलों में जाने से नहीं रोका जा सकता, इन पांच के अलावा दूसरे आधार पर रोक सकते हैं। पता चले कि मैं चला गया होटल में कमरा लेने के लिए तो जाहिर सी बात है कि हमसे पैन कार्ड मांगेगा, आधार कार्ड मांगेगा, नहीं होगा नहीं देगा। इन पांच के अलावा दूसरे आधार पर जाने से रोका जा सकता है, लेकिन पांच में से किसी भी आधार पर जाने से नहीं रोका जा सकता। सार्वजनिक भोजनालय, अगर हमारा पर्सनल है, व्यक्तिगत भोजनालय है, तो मैं किसी को भी जाने से रोक दूंगा, लेकिन क्या लिखा है, सार्वजनिक भोजनालय, रेस्टोरेंट नहीं रोक सकते। अब ये होटल देखें आप, तो जब गांधी जी हमारे दादा भाई अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में, तो आपको मालूम होगा कि गांधी जी गए थे होटल में कमरा लेने के लिए, रेसिज्म के आधार पर उनको होटल में कमरा नहीं दिया गया, तब जबकि तमाम प्रकार के कानूनों का हवाला भी दिए, उसके बाद भी रेसिज्म के आधार पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, विभेद किया गया। रात भर गांधी जी ठंड में ठिठुर कर रात गुजारे थे। तो मैं कह सकता हूं कि गांधी का एक रिफ्लेक्शन भी, कि वह गांधी जी जिन्हें 1893 में होटल में प्रवेश नहीं दी गई, कमरा नहीं दिया गया, किस आधार पर, रेसिज्म के बेस पर, आज हमारे देश का कोई भी नागरिक हो होटल में जाना चाहता है तो उसे जाने का अधिकार है, इन पांचों में से किसी भी आधार पर उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन पांच के अलावा, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि पैन कार्ड अगर नहीं होगा, आधार कार्ड नहीं होगा, तो कमरा नहीं दिया जा सकता उसको। तो ऐसे जगहों में प्रवेश से सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान जैसे थिएटर्स हो गए या जैसे पार्क हो गए, पार्क में जाने से नहीं रोका जा सकता, थिएटर्स में जाने, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में जाने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन ऐसे सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में हम जब जाएं तो प्रकृति के आनंद लें। अगर हम वहां पर जाते हैं और कोई अश्लील हरकत करते हैं तो हमें जाने से वहां पर रोक दिया जाएगा। इन पांचों में से किसी भी आधार पर ऐसे जगहों में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, तथा स्टेट फंड से पूर्णतः या भागता, फुल्ली या पार्शली, कॉमन यूज के लिए, यानी राज्य के पैसे से क्या बना हो, कुआं बना हो, तालाब बना हो या स्नान घाट बना हो,
या सामूहिक समागम के स्थान बने हो, राज्य निधि से पूर्णता या भागता, यानी राज्य का पैसा कुआं में लगा हो, पूरा लगा हो या पार्शियली भागता लगा हो, तालाब के लिए लगा हो, स्नान घाट के लिए लगा हो, किस लिए लगा है, कॉमन यूज के लिए, सार्वजनिक उपयोग के लिए, तो ऐसे कुएं का या तालाब का इस्तेमाल करने से भी हम किसी को रोक नहीं सकते। गांव में आप देखते होंगे कि तालाब होता है, एक गांव का ग्राम सभा का तालाब होता है, ऐसे तालाब का उपयोग करने से आप किसी को रोक नहीं सकते। व्यक्तिगत तालाब अगर है आपका या मेरा किसी का भी, तो वह अपने व्यक्तिगत तालाब का इस्तेमाल करने से रोक सकता है। यह तो 15 का सेक्शन 2 है। अब 3 देखिए, 15 का सेक्शन 3, राज्य 15 का सेक्शन 3, राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान करेगा। ये देखिए 15 के सेक्शन 3 में स्टेट को पावर दिया गया है कि मेक ए स्पेशल प्रोविजन फॉर चाइल्ड एंड वुमेन्स। राज्य को अधिकार है, क्या अधिकार है, कि राज्य स्त्रियों के लिए और बालकों के लिए विशेष प्रावधान करे। अब सवाल यह है कि 15 का सेक्शन 1 राज्य के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि राज्य लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, तो अगर राज्य स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान करेगा तो क्या हम नहीं कहेंगे कि यह लिंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन विभेद है, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन, युक्तियुक्त विभेदीकरण करने का अधिकार है, युक्तियुक्त विभेदीकरण करने का अधिकार है, एक बात। दूसरी बात कि राज्य स्त्रियों के लिए अगर स्पेशल प्रोविजन कर रहा है तो वह लिंग के आधार पर नहीं कर रहा बल्कि सोशल कंडीशन के आधार पर, कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति बेहतर नहीं है, महिलाओं को अपलिफ्ट करने की जिम्मेदारी राज्य की है, तो राज्य को अधिकार है कि महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करे, राज्य को अधिकार है कि बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करे। तो आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, यह कानून लाया गया किसके लिए, स्त्रियों के लिए भी और बच्चों के लिए भी लाया गया। तो अगर राज्य स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान कर रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि राज्य ने हमारे साथ लिंग के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन किया है। ये 15 का सेक्शन 3 है। अब 15 का सेक्शन 4 आते हैं, जो वाकई में बहुत बड़ा है, कोशिश होगी कि ऐसे उसको बताया जाए जिससे हमारा सवाल फंस सके। अक्टूबर में जो एग्जाम हो रहा है यूपीएससी का, उस यूपीएससी के एग्जाम में अगर कोई सवाल पूछे तो हम कर सकें। फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेस्ट में मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल सूट्स, जो संवैधानिक वाद देखे थे, उसमें पहला संशोधन हमारे सामने था, जिस पहले संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया गया था और 15 में सेक्शन 4 जोड़ा गया था। पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951, मैंने आपके सामने लिखा था कि यह वही पहला संविधान संशोधन अधिनियम था जिसके द्वारा 15 में सेक्शन 4 जोड़ा गया, तो इसी के द्वारा नवीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी, नवी अनुसूची यानी 9 शेड्यूल भी जोड़ा गया था। और देखिए 2019 में जो पीसीएस कह रहा हूं आईएएस का एग्जाम हुआ था, यह बहुत नॉर्मल सा सवाल पूछा था कि पहला संशोधन के द्वारा नवी अनुसूची जोड़ी गई, उस वक्त भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो नॉर्मल ये सवाल होते हैं, है ना। तो पहले संशोधन के द्वारा 15 का सेक्शन 4 जोड़ा गया, जिसमें क्या लिखा गया, क्या प्रोविजन किया गया, राज्य सामाजिक
एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए तथा एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान करेगा। यह आर्टिकल 15 का सेक्शन 4 है। राज्य को यह बात अधिकार दिया जा रहा है कि राज्य क्या करेगा, तो सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। यानी पॉजिटिव, यह राज्य को कुछ करने के लिए कहा जा रहा है। तो 15 का सेक्शन 4 ऐसा फंडामेंटल राइट्स है जो पॉजिटिव नेचर का है, चिंतन का विषय कि पिछड़े पन के कितने आधार, पिछड़ेपन के कितने आधार, 2 आधार, सामाजिक और शैक्षणिक। सामाजिक और शैक्षणिक, एक सामान्य सी बहस आपसे कि सोशली बैकवर्ड, सामाजिक रूप से पिछड़ा किसे कहा जाए? सामाजिक रूप से पिछड़ा किसे कहा जाए? सोशली बैकवर्ड कौन है? तो वह नागरिक सोशली बैकवर्ड कहलाएगा जिसे कभी भी सोसाइटी में एक रिस्पेक्टेड यूनिट के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। फिर सुने, सामाजिक रूप से पिछड़ा वह व्यक्ति कहलाएगा जिसकी सामाजिक गरिमा, सोशल डिग्निटी, सोशल प्रेस्टीज को कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, मान्यता नहीं दी गई। या मैं यह भी कह सकता हूं समाज में सम्मानित इकाई के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया गया। सोशली बैकवर्ड कौन कहलाएगा? जिसका सोशल रिकॉग्निशन ना हो, सोशल डिग्निटी ना हो, सोशल प्रेस्टीज ना हो। या मैं यह भी कह सकता हूं जिसको सोसाइटी में कभी रिस्पेक्टेड यूनिट के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, वही सामाजिक रूप से पिछड़ा कहलाएगा। एजुकेशनल बैकवर्ड कौन कहलाएगा? तो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वह कहलाएगा जिसे शिक्षा का अवसर न मिला, एजुकेशन को हासिल करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। या मैं यह भी कह सकता हूं कि एजुकेशनली बैकवर्ड वह कहलाएगा जिसे शिक्षा से वंचित किया गया। अब सवाल यह है कि सामाजिक रूप से पिछड़ा कौन, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा कौन? तो मैंने आपको बताया कि सामाजिक रूप से पिछड़ा वह कहलाएगा जिसे समाज में कभी सम्मानित इकाई के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, कभी एक समान बैठा भी तो उसको धुतकार कर उठा दिया गया। आज भी आप देखिएगा, गांव में देखिएगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो चारपाई पर नहीं बैठते, कुर्सी पर नहीं बैठते, उन्हीं को हम सोशली बैकवर्ड कहते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि सामाजिक रूप से पिछड़ा वह कहलाएगा जिसे सोसाइटी में कभी रिस्पेक्टेड यूनिट के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। एजुकेशनली बैकवर्ड वह कहलाएगा जिसे शिक्षा से वंचित किया गया, जिसे एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया। अब सवाल यह है कि सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ कौन है? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ कौन है? क्या इस देश के सारे नागरिक?
सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ कौन है? क्या इस देश के सारे नागरिक? नहीं, किन्हीं वर्ग, यानी इस देश के नागरिकों का कोई क्लास है, किन्हीं वर्ग, कोई क्लास है, कोई वर्ग है। अब वो वर्ग है कौन? इस देश के नागरिकों में वह वर्ग कौन है जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है? यह बताएगा कौन? राज्य बताएगा? यह राज्य बताएगा? और अनुच्छेद 340 आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों का अन्वेषण करने के लिए, उनके दशाओं में सुधार करने के लिए, उनके विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करेगा। और ऐसा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग उनके संदर्भ में जो भी रिकमेंडेशन देगा वो राष्ट्रपति उसे पार्लियामेंट के फ्लोर पर रखवाएगा। सवाल यह है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ कौन? क्या इस देश के सारे नागरिक? नहीं, नागरिकों के किन्हीं वर्ग, यानी इस देश के नागरिकों का कोई स्पेसिफिक क्लास है, कोई वर्ग है जो सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा है। अब वह वर्ग है कौन, इसी को बताने के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, गांधीवादी विचारक कहे जाते हैं, गांधीवादी कौन? काका कालेलकर, समिति का गठन किया 1953 में। काका कालेलकर समिति का कि इस देश के नागरिकों का वह कौन सा वर्ग है जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, यही बताने के लिए काका कालेलकर समिति का गठन किया गया 1953 में। इसने यह कहा कि कुल 2399 जातियां पिछड़ी हैं, एक बात तो ये, दूसरी बात कि जितनी महिलाएं समाज में, जितनी महिलाएं, सारी की सारी महिलाओं को पिछड़े वर्ग में शामिल करने की इसने बात की, लेकिन काका कालेलकर समिति में जितने सदस्य थे आपस में ही उनमें कोई कॉन्सेंट नहीं था, सहमति नहीं थी, परस्पर विरोध था। इसके बाद आप देखेंगे कि जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी और उस जनता पार्टी की सरकार ने एक कमीशन बनाया जिसे वीपी मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है 1978 में। वीपी मंडल आयोग, वीपी मंडल कमीशन, विंदेश्वरी प्रसाद मंडल कमीशन, बिहार के थे ये, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। विंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में वीपी मंडल कमीशन, जिसे हम मंडल आयोग बोलते हैं, इस मंडल कमीशन ने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी, 1980 में रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट था क्या कि ओबीसीज को 27% आरक्षण दिया जाए। इसने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश जो की, यह कहा कि 27% ओबीसीज को आरक्षण दिया जाए। श्रीमती गांधी दूसरी बार सत्ता में आई, लागू नहीं कि उनके बाद शहीद हो गई 1984 में, राजीव गांधी भी आए, नहीं लागू किए, फिर चंद्रशेखर जी के बारे में आपको पता है, वो भी आए, लागू नहीं किए। तत्पश्चात आए सत्ता में कौन? विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने और उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को बीपी सिंह की सरकार ने 1990 में आरक्षण को लागू करने का आदेश, यानी आरक्षण आदेश जारी कर दिया। जब 1990 में आरक्षण आदेश जारी हुआ तो देश के हर भाग में वायलेंस हुआ, हिंसात्मक आंदोलन होने लगे, बहुत से बच्चों की जानें भी चली गईं, बहुत विरोध हुआ। तो जब बहुत विरोध हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने
रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की, 1990 की घटना में बता रहा हूं आपको, कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने आरक्षण आदेश 1990 को लागू किया तो देश के विभिन्न भागों में बहुत सी घटनाएं हुई, लोगों की जान भी गई, गोलियां चली। नतीजा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन किया, जिसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण आदेश को स्थगित कर दिया। आरक्षण आदेश को 1990 में स्थगित कर दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण आदेश पर रोक लगा दिया। जब आरक्षण आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया तो नरसिम्हा राव की सरकार बन चुकी थी प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए। नरसिम्हा राव की सरकार ने क्या किया, आरक्षण आदेश में संशोधन किया, अमेंडमेंट किया, जो रिजर्वेशन का आर्डर था उस आर्डर में अमेंडमेंट किया। पहली चीज कि जो ओबीसीज को आरक्षण दिया जा रहा है, ओबीसीज को 10% अतिरिक्त आरक्षण दिया जाए, तो 27 और 10 कितना हो गया, 37% इनको आरक्षण दिया जाए। और दूसरी बात कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के साथ साथ आर्थिक आधार को भी पिछड़ेपन में शामिल कर दिया गया, यानी आर्थिक पिछड़ेपन को भी नरसिम्हा राव की सरकार ने आरक्षण आदेश में संशोधन कर दिया। जब आरक्षण आदेश में संशोधन किया तो मामला गया सुप्रीम कोर्ट के पास और 5 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 9 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर कर दिया और वही केस कहलाता है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत महत्वपूर्ण केस है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। बहुत इंपॉर्टेंट रिजर्वेशन के संदर्भ में, जैसे मैंने आपको बताया था कि मूल अधिकारों के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण केस केशवानंद भारतीय कहलाता है, वैसे ही रिजर्वेशन के इशू पर सबसे इंपॉर्टेंट केस इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। 9 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। जब नरसिम्हा राव सरकार ने आरक्षण आदेश में संशोधन कर दिया, संशोधन में किया क्या कि ओबीसी को 10% अतिरिक्त आरक्षण दिया जाए, तो आरक्षण की सीमा बढ़कर कितनी हो गई, 27 तो थी ही, 37 यानी 37%। और दूसरा आरक्षण आदेश में क्या संशोधन किया कि आर्थिक आधार को भी पिछड़े के लिए आधार बनाया जाए। जब संशोधन किया तो नरसिम्हा राव सरकार के आरक्षण आदेश में किए गए संशोधन को चुनौती दी गई। इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ 1993। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखिए, क्या निर्णय दिया, कहा कि ओबीसीज में 2 प्रकार के लोग हैं, ओबीसीज में पिछड़े वर्ग में 2 प्रकार के लोग हैं, क्रीमी लेयर और दूसरा नॉन क्रीमी लेयर। सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 में यह निर्णय दिया कि ओबीसी में 2 प्रकार के लोग हैं, क्रीमी लेयर और दूसरा नॉन क्रीमी लेयर। याद रखिएगा कि इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1993 के केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया था। महत्वपूर्ण चीज कि ओबीसीज में 2 प्रकार के लोग हैं, क्रीमी लेयर और दूसरा नॉन क्रीमी लेयर, यानी मलाईदार परत और दूसरा अमलाईदार परत। आरक्षण का लाभ क्रीमी लेयर को नहीं मिलना चाहिए, रिजर्वेशन ओबीसीज में जो क्रीमी लेयर में आता है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। एक फैसला, दूसरा आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% विशेष परिस्थितियों को छोड़कर,
रिजर्वेशन की मैक्सिमम लिमिटेशन क्या होगी, 50% होगी। और तीसरी बात, प्रोन्नति में आरक्षण नहीं लागू होगा। यह सुप्रीम कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण फैसला था, प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। आप बाद में देखेंगे कि प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के लिए ही 77वां संशोधन हुआ 1995 में, यानी इसी फैसले के बाद से आप देखेंगे कि 77वां संशोधन हुआ और 16 का सेक्शन ए में सब सेक्शन क जोड़ा गया, जिसमें SC ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात कही गई। अब यहां पर हम फोकस करें इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसीज में दो प्रकार के लोग हैं, एक क्रिमिलेयर दूसरा नॉन क्रिमिलेयर। आरक्षण की अधिकतम सीमा विशेष परिस्थितियों को छोड़कर 50% होगी और आखिरी बात की प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। हमारा ध्यान इसके ऊपर कि क्रिमिलेयर कौन होगा, ओबीसीज में क्रिमिलेयर कौन होगा और नॉन क्रिमिलेयर कौन होगा, यह बताएगा कौन, राज्य बताएगा, एक विशेषज्ञ समिति ने इसके बारे में बताया। तो क्रिमिलेयर में किसे शामिल किया गया, देखिए क्रीमी लेयर किसे माना जाएगा, ओबीसीज में क्रीमी लेयर किसे माना जाएगा। तो पहला संवैधानिक पद पर आसीन हो, यानी ओबीसीज में कोई व्यक्ति ऐसा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को होल्ड किया है, उसे क्रीमी लेयर माना जाएगा, यानी उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद, ओबीसीज में कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है या हाई कोर्ट का जज है, वो भी क्रिमिनल लेयर में शामिल होगा, उसको भी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। तीसरा, जो सार्वजनिक लोक उपक्रम, सार्वजनिक लोक उपक्रम में समूह ए और बी के कर्मचारी, पब्लिक एंटरप्रेन्योर में या पब्लिक इंटरप्राइजेस में जो समूह ए और बी के कर्मचारी होंगे, वो भी क्रिमिनल लेयर में शामिल होंगे। चौथा, कि केंद्र और राज्य के अधीन समूह ए और बी के कर्मचारी, भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन जो समूह ए, क्लास ए और क्लास बी के जो कर्मचारी होंगे, वो भी क्रिमिनल लेयर में शामिल होंगे। और आखिरी बात, कर्नल रैंक से ऊपर के सशस्त्र बल या अर्धसैनिक बल के कर्मचारी, जो हमारे फोर्सेस हैं उसमें कर्नल और रैंक से ऊपर के जो सशस्त्र बल के कर्मचारी होंगे या सैनिक बल के कर्मचारी होंगे, वो भी क्रिमिनल लेयर में शामिल होंगे। और आखिरी बात, आखिरी छठा पॉइंट, वार्षिक आय 1,00,000 रुपए से अधिक हो, यानी ओबीसीज में जिस परिवार की वार्षिक आय 1,00,000 रुपए से अधिक होगी, वह कौन होगा, क्रीमी लेयर। और जब वह क्रीमी लेयर होगा तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार सरकार का यह आदेश जारी हुआ।
अब यहां पर हम आखिरी वाली बात को और आगे बढ़ा दें कि जिस परिवार की ओबीसी में जिस परिवार की वार्षिक आय 1,00,000 रुपए से अधिक होगी वो क्रीमिलियर होगा, इसको बढ़ाकर 2004 में 2.5 लाख वार्षिक आय की गई और 2008 में 4.5 लाख किया गया वार्षिक आय, 2.5 लाख 4.5 लाख किया गया और फिर 2013 में इसको बढ़ाकर 6 लाख वार्षिक आय की गई और 2017 में 8 लाख वार्षिक आय की गई है। 8 लाख वार्षिक आय की गई है जो आज आपके सामने चल रहा है। तो राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों यानी इस देश के नागरिकों का कोई वर्ग है तो जाहिर सी बात है कि जो क्लास पिछड़ा हुआ है जब तक उसको अपलिफ्ट नहीं किया जाएगा तब तक इक्वल समाज नहीं हो सकता। तो समानता की आवाज एक लेवलिंग की भी है, लेवलिंग प्रोसेस की भी बात करता है कि सड़क एक समान है लेकिन जहां पर सड़क में गड्ढा पड़ जाए उसको लेवल किया जाए तब हम कहेंगे कि सड़क एक समान है। यह सामाजिक सोशल जस्टिस की अवधारणा से जुड़ा हुआ है, सामाजिक न्याय की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। सामाजिक न्याय यह कहता है, सोशल जस्टिस कहता है कि यदि कोई पिछड़ा है सुख सुविधाओं से वंचित है तो राज्य के द्वारा उसे विशेष सुविधाएं दिया जाए और विशेष सुविधा अगर दिया जाता है तो वह रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन होगा, युक्तियुक्त विभेदीकरण होगा। अगर कोई प्यासा है तो उसको पानी पिलाया जाए, अगर कोई चल नहीं सकता तो उसको चलने का सहारा दिया जाए, विभेदीकरण है, विभेद है लेकिन रीजनेबल है। सवाल इसी का है कि इस देश के नागरिकों का वह कौन सा वर्ग है जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड, यह सही ढंग से बताएगा कौन? राज्य बताएगा। राज्य कौन? अनुच्छेद 12। 12 में कौन? तो सीधे मैं कह दूं भारत सरकार या राज्य की सरकार। भारत सरकार किसकी? राजनीतिक दल के। किस राजनीतिक दल की? जिसकी लोकसभा में बहुमत होगी। तो ऐसा आरक्षण जो सामाजिक उद्देश्य को पाने के लिए लाया गया था और निश्चित रूप से उससे सामाजिक बदलाव हुआ है, लेकिन जिस रिजर्वेशन को हम सामाजिक ऑब्जेक्ट को पाने के लिए लाए थे आज वह आरक्षण सत्ता को पाने के लिए राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। हमारे देश में जितने राजनीतिक दल हैं सारे के सारे राजनीतिक दल इस आरक्षण नामक बैसाखी के सहारे राजनीतिक सत्ता को पाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि रिजर्वेशन एक ऐसा छोटा सा बच्चा था जिसका उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? सही रास्ते पर चलना, लेकिन वह भटक गया है। अब जरूरत है उसे सही रास्ते पर लाने की। यानी जिस सामाजिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए रिजर्वेशन को लाया गया था वह सामाजिक उद्देश्य पूरा हो, न कि राजनीतिक दलों के हाथों में यह खिलौना बना रहे। लेकिन लगता नहीं कि हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो सही दिशा में अग्रसर होंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज एक और बात कहें, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन ओबीसी को एससी एसटी को दिया जाता है, तो ऐसे आरक्षण के बारे में मैं कहूं कि समय समय पर इसकी समीक्षा किया जाना चाहिए, रिव्यू किया जाना चाहिए। 5 वर्ष पर करे सरकार या 10 वर्ष पर करे, लेकिन करे जरूर। और ओबीसी में जितनी जातियां हैं और ये देखे कि सरकारी नौकरी में कितने लोग हैं जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो चुका है उनको बाहर किया जाए और जिनको नहीं मिला है उन तक आरक्षण का लाभ पहुंचाया जाए, तभी आरक्षण अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होगा, अन्यथा आरक्षण भटकता रहेगा और राजनीतिक दल इसका दुरुपयोग करते रहेंगे। हम 15 के सेक्शन 5 पर आते हैं। 15 का सेक्शन देखिए, यह भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, पहले अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया 1951। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब टर्म का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं तो शुरू में मैं बता चुका हूं कि मूल संविधान उसे कहा जाता है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हम कहेंगे किसे, तो हुज कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950 इज कॉल्ड ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं कह सकता हूं कि मूल संविधान में
15 का सेक्शन 4 नहीं था तो 15 का सेक्शन 5 भी नहीं था। इसको 15 के सेक्शन 5 को इसी अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया 2005 में, 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 में इसको जोड़ा गया। क्या प्रोविजन किया गया कि राज्य निजी उच्च व्यावसायिक शिक्षण संस्था में, शिक्षण संस्था में अनुच्छेद 19(1)(6) के बाद भी तथा अनुच्छेद 30 को छोड़कर ओबीसीज को, एससी और एसटी को आरक्षण प्रदान करेगा। ये देखिए पहले नहीं था, 2005 में इसको शामिल किया गया। क्या कहा गया राज्य को कि राज्य क्या करेगा, राज्य निजी यानी इस देश के किसी नागरिक ने क्या बनाया, उच्च व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, उच्च व्यावसायिक प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन के लिए, जैसे एमबीए कॉलेज हो, एमसीए कॉलेज हो, इंजीनियरिंग के लिए हो या मेडिकल के लिए, बनाया किसने, इस देश के नागरिक ने। तो 19(1)(6) में यह बात लिखा है कि इस देश के नागरिक को अधिकार होगी कारोबार करने के लिए, कोई वृत्ति कर सकता, प्रोफेशन कर सकता है। उसके बाद भी अगर इस देश के किसी नागरिक ने कारोबार के रूप में इस व्यावसायिक शिक्षण संस्थान को स्थापित किया है तो अनुच्छेद 30 को छोड़कर यानी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान को छोड़कर राज्य क्या करेगा कि अगर किसी इस देश के नागरिक ने उच्च व्यावसायिक शिक्षण संस्थान स्थापित किया है तो वहां पर किसको आरक्षण प्रदान करेगा, ओबीसी को, एससी एसटी को आरक्षण प्रदान करेगा। यह भी हमारे देश में लागू हो चुका है। अब रही सही कसर एक और रहा कि 15 में सेक्शन एक और जोड़ा गया 6, जिसके बारे में आप लोगों को मालूम है कि 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में इसको शामिल किया गया। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 15 में सेक्शन 6 जोड़ा गया। क्या कहा गया कि जो ओबीसीज एससी एसटी से भिन्न वर्ग हैं, तो बचा कौन, हम सामान्य रूप से कह सकते हैं सामान्य वर्ग। सामान्य वर्ग में कौन, जो आर्थिक रूप से कमजोर है। ओबीसीज एससी एसटी को छोड़कर शेष नागरिकों में, तो शेष नागरिक कौन बचे, सामान्य वर्ग। ऐसे सामान्य वर्ग में जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक को शैक्षणिक संस्था में प्रवेश करते समय कितने प्रतिशत आरक्षण होगा, 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। यानी जो स्वर्ण जातियां हैं उन स्वर्ण जातियों में जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं यानी गरीब हैं, तो उनको भी शैक्षणिक संस्थाओं में 10% आरक्षण प्रदान करेगा। कौन करेगा, राज्य करेगा। यह भी लागू हो चुका है, आप देख रहे हैं चल रहा है। अब हम आर्थिक समानता के तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। अनुच्छेद 15 लीगल इक्वालिटी, लीगल कह रहा हूं, अनुच्छेद 14 लीगल इक्वालिटी, 15 सोशल इक्वालिटी, 16 आर्टिकल 16 हेडिंग देखिए क्या लिखता है, लोक नियोजन में
अवसर की समानता, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट किसको, तो ये वो मूल अधिकार है जो सिर्फ देश के नागरिकों को है। क्या लिखता है कि 15 के सेक्शन एक में ये लिखता है कि राज्य के अधीन नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में नागरिकों को अवसर की समानता होगी। राज्य कौन? अनुच्छेद 12, चाहे भारत सरकार के अधीन कोई रोजगार हो या राज्य सरकार के अधीन कोई सरकारी नौकरी हो, सारे नागरिकों के लिए समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। तो 16 के सेक्शन 2 में यह बात कह रहा है कि किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव और निवास, 15 के सेक्शन 1 में मैंने 5 आधार बताया था, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान। 16 के सेक्शन 2 में देखिएगा ये 2 और बढ़ जा रहा है, यानी 7 आधार हैं। 16 के सेक्शन 1 में मैंने क्या कहा कि राज्य के अधीन नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव या निवास या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के अधीन नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में अपात्र नहीं समझा जाएगा। अपात्र का मतलब डिस्क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। यानी मैं यह कह सकता हूं कि सरकार के अधीन जितने, राज्य के अधीन जितनी सरकारी सेवा होगी, उस सरकारी सेवा में इस देश के किसी भी नागरिकों को इन 7 में से किसी भी आधार पर डिस्क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। इन 7 में से किसी भी आधार पर डिस्क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। रिलीजन, ओरिजिन, कास्ट, सेक्स, बर्थ प्लेस, उद्भव और डोमिसाइल, निवास, इन 7 में से किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक को डिस्क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। लेकिन इन 7 के अलावा दूसरे आधार पर राज्य डिस्क्वालिफाई कर सकता है, जैसे एस के आधार पर, हम इस देश के नागरिक हैं, हम चाहे किसी भी धर्म के हो, मूल वंश के हो, जाति के हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सिविल सर्विसेज का एग्जाम अगर हम देते हैं उसके लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे और फॉर्म वही अप्लाई करेगा जो मिनिमम 21 वर्ष की आयु पूरी किया हो। अगर 18 वर्ष का आयु पूरी कर रहा है अपात्र होगा, डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा। 21 वर्ष की आयु पूरी कर रहा, मैक्सिमम भी अगर जो वर्ष निर्धारित किया, अगर उससे भी ज्यादा आयु निर्धारित कर लिया तो भी अपात्र हो जाएगा। मान लीजिए कि 22 वर्ष का है, 23 वर्ष का है और ग्रेजुएट नहीं है, स्नातक नहीं किया है, कंप्लीट नहीं है, इस आधार पर भी उसको अपात्र किया जाएगा, डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है। बहुत से ऐसी सरकारी नौकरियां हैं जिन सरकारी नौकरियों के लिए हमारा फिजिकल टेस्ट होता है, जैसे आप आईपीएस के लिए भरते होंगे, बहुत ग्लोरियस जॉब है, आईपीएस के लिए कोई भरता है तो उसके लिए आपको मालूम है कि फिजिकल फिटनेस होना जरूरी है। उसके लिए लेंथ कितना, लंबाई मांगता है कि 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर से कम लंबाई हुई डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा। रेलवे की नौकरी आपने देखा होगा कि रेलवे की नौकरी के लिए हम तमाम चीजें क्वालिफाई करते चले जाते हैं, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होता, फिजिकल टेस्ट में पता चला कि कलर ब्लाइंडनेस मिला, इस आधार पर डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा। तो कहने का उद्देश्य मेरा कि सरकारी नौकरी में राज्य के अधीन नियोजन या नियुक्ति से संबंधित सभी विषयों में किसी भी नागरिक को इन 7 में से किसी भी आधार पर डिस्क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, लेकिन 7 के अलावा दूसरे आधार पर किया जा सकता है, 7 के अलावा दूसरे आधार पर किया जा सकता है। इस 15 का सेक्शन 3 भी है, 16 का सेक्शन 3 भी है कि राज्य किसी राज्य सरकार या उसके अधीन सेवा के लिए उस राज्य का निवासी होना
विधि द्वारा निर्धारित कर सकेगी। क्षमा करें, राज्य के पार्लियामेंट की जगह पर मैंने राज्य लिख दिया। यह 16 के सेक्शन 3 में पार्लियामेंट को पावर दिया गया कि पार्लियामेंट किसी भी राज्य सरकार के अधीन या किसी अधिकरण के अधीन कोई सेवा होगी तो उसके लिए उस राज्य का निवासी होना कानून के द्वारा निर्धारित कर सकेगी। यानी वो नौकरी हमें तभी मिलेगी जब हम उस राज्य के निवासी होंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमें देना होगा। जैसे उदाहरण के लिए प्राइमरी स्कूल में जो टीचिंग जॉब है, प्राइमरी स्कूल में टीचिंग जॉब वही कर सकता है जो उस राज्य का निवासी हो। यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमको देना पड़ता है। इसको लेकर एक केस है शोलापुर स्पिनिंग कंपनी का। शोलापुर स्पिनिंग कंपनी, शोलापुर महाराष्ट्र में, यहां पर स्पिनिंग कंपनी ने, शोलापुर स्पिनिंग कंपनी ने एक वैकेंसी निकाली। तो महाराष्ट्र के रहने वाले तमाम जिले के बच्चों ने उसको अप्लाई किया, लेकिन इस शोलापुर स्पिनिंग कंपनी ने शोलापुर जिला के अलावा अन्य जिलों के जो अभ्यर्थी थे उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया, यह कहकर कि आप शोलापुर के निवासी नहीं हैं। तो शोलापुर जिले के अलावा अन्य जिला के रहने वाले जो एप्लीकेंट्स थे उन्होंने क्या कहा, यह तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा शोलापुर स्पिनिंग कंपनी को कि जिन बच्चों का, जिन एप्लीकेंट्स का आपने फॉर्म निरस्त कर दिया या उनको डिस्क्वालिफाई कर दिया है, तुमको करने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि निवास की शर्त किसी जिले का नहीं है बल्कि राज्य का है। अगर वह उस राज्य का निवासी है तो उस राज्य के अधीन जितने भी जिले होंगे उसमें फॉर्म भर सकता है। नतीजा यह निकला कि शोलापुर स्पिनिंग कंपनी को पुनः फॉर्म के लिए प्रोसेस शुरू किया गया। यह 16 का सेक्शन 3। अब 16 का सेक्शन 4 भी देखें। यदि पिछड़े वर्ग का राज्य के अधीन सेवा में राज्य की राय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्य उन्हें आरक्षण प्रदान करेगा। ये देखिए 16 का सेक्शन 4 है, जबकि अभी 15 का सेक्शन 4 पढ़ाते समय मैंने हल्का सा इशारा किया था। क्या कहा जा रहा है कि 15 का सेक्शन 4 के थ्रू भी रिजर्वेशन दिया जाता है, 15 के सेक्शन 5 के थ्रू भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है, 15 के सेक्शन 6 के थ्रू भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है और 16 के सेक्शन 4 के थ्रू भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन की दान, यानी 15 का सेक्शन 4 सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में रिजर्वेशन की बात कर रहा है, तो 16 का सेक्शन 4 सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन की बात कर रहा है। देखिए क्या कि यदि पिछड़े वर्ग का ओबीसीज कौन होगा, तो 15 के सेक्शन 4 में मैंने आपको बताया कि काका कालेलकर समिति का गठन हुआ था, उनकी रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया। वीपी मंडल कमीशन का 1978 में गठन हुआ, 80 में उसने रिपोर्ट दिया, उसकी रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। तो पिछड़ा वर्ग इस देश के नागरिकों का वह कौन सा वर्ग है जो ओबीसीज है, यानी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, वीपी मंडल कमीशन ने बताया और जब बता दिया तो स्पष्ट हुआ। तो यह कहा गया कि यदि पिछड़े वर्ग का, अटेंशन, कि पिछड़ा वर्ग शब्द का प्रयोग पहली बार किस अनुच्छेद में हुआ, तो आर्टिकल 16 का सेक्शन 4, पिछड़े वर्ग शब्द का प्रयोग, ओबीसीज वर्ड
फर्स्टली यूज इन आर्टिकल 16 का सेक्शन 4, यानी पहली बार पिछड़े वर्ग शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 16 के सेक्शन 4 में किया गया है। आप लोग कहेंगे कि 15 का सेक्शन 4 तो पहले आता है, आता जरूर है, लेकिन वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, पहले संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1951 में। 15 का सेक्शन 5 भी 93वां संशोधन मैंने बताया, 15 का सेक्शन 6 भी 103वां संशोधन के द्वारा बताया, यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 15 का सेक्शन 4, 15 का सेक्शन 5 और 6 नहीं था, बल्कि यह था। तो पहली बार ओबीसी शब्द का प्रयोग इसी में हुआ है। क्या कह रहा है कि यदि पिछड़े वर्ग का कहां पर राज्य के अधीन, राज्य कौन, अनुच्छेद 12 राज्य के अधीन सेवा में, अब ओबीसी राज्य के अधीन सेवा में है या नहीं है, राज्य के अधीन सेवा में उसका सफिशियंट रिप्रेजेंटेशन है या नहीं, राज्य के अधीन सर्विसेज में ओबीसी का सफिशियंट रिप्रेजेंटेशन है या नहीं, यह बताएगा कौन, ओपिनियन ऑफ स्टेट, राज्य बताएगा राज्य की राय में। तो यदि पिछड़े वर्ग का राज्य के अधीन सेवा में यानी सरकारी नौकरी में राज्य की राय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उसको क्या किया जाए, आरक्षण प्रदान किया जाए। तो सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन दिया जाता है, कभी भी पूछे कि किस आधार पर दिया जाता है, तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। अब उम्मीद भाई करता हूं कि यदि उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो जाए तो उसको आरक्षण के दायरे से बाहर कर दिया जाए। जैसा कि मैं पिछली बार भी अभी कहा हूं आपको कि आरक्षण कब तक, तो निश्चित रूप से इसका एक निश्चित समय होना चाहिए, एक निश्चित समय होना चाहिए। अंबेडकर पर, अंबेडकर के सामने भी यह चर्चा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि अगर आरक्षण को एक निश्चित समय तक लागू नहीं किया जाएगा तो निश्चित रूप से इसका दुरुपयोग होगा, और आज हम देख सकते हैं इसका। अब करना क्या चाहिए, तो आरक्षण को एक निश्चित समय तक लागू किया जाए, दूसरी बात कि समय समय पर इसकी रिव्यू किया जाए, समीक्षा किया जाए। जैसे मैंने कहा आपसे कि 5 वर्ष या 10 वर्ष, मान लीजिए कि 10 ही वर्ष पर हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं, तो पिछड़े वर्ग में जितनी जातियां शामिल हैं सरकारें आंकड़ा दें कि हमारे सरकार के अधीन इतनी नौकरियां हैं, उन नौकरियों में उसी ओबीसी में कौन कौन सी जाति है जिसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो गया है, तो अगर उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो गया है तो उसको उस दायरे से बाहर कर दिया जाए, ताकि शेष ओबीसी में शामिल जातियों को आरक्षण का लाभ प्राप्त हो सके। अन्यथा ओबीसी में, मैं ये कह सकता हूं कि ओबीसी में आरक्षण का लाभ वही प्राप्त कर सकेगा जो अर्थ से मजबूत है, कमजोर उस वक्त भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही है। ये 16 का सेक्शन 4, इस 16 के सेक्शन 4 में मैंने आपको बताया कि इंदिरा साहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, उसी विसंगति को दूर करने के लिए 16 का सेक्शन 4 में सब सेक्शन ए जोड़ा गया, यही संशोधन हुआ 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995। क्या कहा गया कि यदि एससी एसटी का राज्य के अधीन सेवा में राज्य की राय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्य उन्हें प्रोन्नति में आरक्षण प्रदान करेगा। यानी जिस इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में रिजर्वेशन देने से मना कर दिया था, उसी मूल अधिकार में संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन? 77 संशोधन किया गया, 4 में सब सेक्शन ए जोड़ा गया, और इसमें यह प्रोविजन कर दिया गया कि यदि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का राज्य के अधीन सेवा में राज्य की राय में सफिशियंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो उन्हें प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसी में एक और सेक्शन जोड़ा गया, सेक्शन 4 का बी, सेक्शन 4 का सब सेक्शन बी, यह जोड़ा गया 81वां संशोधन के द्वारा, 81वां संशोधन 2000, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, कि
जो रिजर्वेशन ओबीसी को एससी एसटी को दिया जाता है सरकारी नौकरी में, तो अगर उनका पर्याप्त उम्मीदवार नहीं मिल पाते, उनकी सीटें खाली हो जाती हैं, यानी स्थान रिक्त हो जाता है, जैसे 50 ओबीसी के लिए कहें और 40 ओबीसी वर्ग के बच्चों का सिलेक्शन हुआ तो 10 स्थान रिक्त हो गया। तो इस 4 के इस्तेमाल भी में यह प्रोविजन किया गया कि पिछले वर्ष की रिक्तियों को आगे आने वाले वर्ष में जो नौकरियां दी जाएंगी उसमें जोड़ दिया जाएगा और ओबीसी को एससी एसटी को उसमें आरक्षण दिया जाएगा, जिसको हम लोग बैकलॉग कहते हैं। तो बैकलॉग यानी विशेष जो भर्ती होती है, विशेष भर्ती में केवल ओबीसी एससी एसटी के अभ्यर्थी ही उसके इंटाइल होते, उसके योग्य होते हैं, जिसका प्रोविजन है 16 के सेक्शन 4 के सब सेक्शन बी में। यह तो रही बात आपको 16 के सेक्शन 4 के बी में। अब हम अनुच्छेद 17 के बारे में चर्चा करें। मैंने अनुच्छेद 14 लीगल इक्वालिटी, अनुच्छेद 15 सोशल इक्वालिटी, 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी मूल अधिकारों में राज्य कानूनी समानता प्रदान करेगा, जो हमारे समाज में विषमताएं थी उनको दूर करेगा, धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, सरकारी नौकरियों में सबको अवसर की समानता होगी। इसके बाद भी हमारे समाज में विभेद जारी था, इसलिए आवश्यक था कि उसका भी अंत किया जाए, यानी समाज में समानता को स्थापित करने के लिए जरूरी था कि उस विभेद को समाप्त किया जाए जिस आधार पर सदियों से किसी के साथ जुल्म होता रहा। एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत किया गया, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इससे उपजी किसी भी प्रकार की निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा और वह दंडनीय अपराध होगा। आपको मालूम है कि इस अस्पृश्यता जिसका प्रोविजन आर्टिकल 17 में किया गया समानता को स्थापित करने के लिए, लेकिन इस अस्पृश्यता की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है। तो जब किसी सब्जेक्ट पर कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर एकदम साइलेंट हैं या उसकी कहीं परिभाषा नहीं दी गई, तो ऐसे अस्पृश्यता का अर्थ जानने के लिए हमने सहारा लिया। किसका सहारा लिया? परंपराओं का। और परंपराओं से हमें पता यह चला कि अस्पृश्यता का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, छुआछूत। किसके साथ? इन्हीं के साथ, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के साथ। प्राचीन समय से लेकर मध्यकाल तक, आधुनिक युग में भी आपने देखा कि जिस कार्य को इनके द्वारा किया जाता है उस कार्य की आज भी कोई गरिमा नहीं है। एक ऐसी शताब्दी की भारत की बात मैं कर रहा हूं। ये वो लोग जो इंसान तो थे लेकिन कभी इन्हें इंसान होने का अनुभूति नहीं हुई। ये व्यक्ति तो थे हमारे और आपके जैसे हाड़ मांस के हैं लोग, लेकिन कभी इनके साथ मानव जैसा व्यवहार नहीं किया गया। सड़कों पर चलने का अधिकार नहीं था, धार्मिक स्थलों में प्रवेश का अधिकार नहीं था, यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार नहीं था, सामाजिक समानता नहीं थी यानी बराबरी में बैठने का अधिकार नहीं था। वैदिक मंत्रोच्चारण करने का अधिकार नहीं था। उसी 15 के सेक्शन 2 में आपने देखा कि लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक को सड़कों पे, दुकानों पे, होटलों पे, सार्वजनिक भोजनालय पे, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या सार्वजनिक समागम के स्थानों पे उपयोग से निवारित नहीं करेंगे। महिलाओं के बारे में आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सबरीमाला मंदिर का मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न केवल ये महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है बल्कि ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ भी है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आया कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश सुनिश्चित किया जाए। उसी समाज का एक सेक्शन ये भी है जो अनुसूचित जाति जनजाति जिसके साथ वाकई में
जुल्म किया गया, अत्याचार हुआ। अब क्या क्या अत्याचार हुआ ये आप जानते हैं, हमें बहुत डिटेल्स में नहीं जाना। इस अस्पृश्यता की परिभाषा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई, तो उसका अर्थ जानने के लिए हमने परंपराओं की मदद ली और उसी परंपरा से हमें ज्ञात हुआ कि इसका अर्थ होता है छुआछूत। अब जरूरी था कि मूल अधिकारों को रेगुलेट करने के लिए पार्लियामेंट कानून बनाए, तो पार्लियामेंट ने क्या किया, आर्टिकल 35, ये वही अनुच्छेद 35 है जिसमें बात लिखी गई है कि संसद मूल अधिकारों को विनियमित करने के लिए कानून का निर्माण कर सकती है। संसद ने अनुच्छेद 17 के संदर्भ में एक कानून बनाया जिसका नाम रखा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, अनटचेबिलिटी क्राइम एक्ट 1955। इस कानून का नाम बदल दिया गया और रखा गया सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976, यानी अस्पृश्यता अपराध अधिनियम का नाम बदलकर सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट रखा गया। कब रखा गया, 76 में। पार्लियामेंट ने एक और कानून बनाई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के ऊपर जो अत्याचार हुआ उस अत्याचार को कैसे प्रिवेंट किया जाए, एससी एसटी के ऊपर होने वाले अत्याचार को कैसे रोका जाए, उसी के संदर्भ में जो कानून बना उसी को हम नाम देते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। जनरली इसी को लोग हरिजन एक्ट बोलते हैं, जबकि सही नाम नहीं है। सही नाम जो है एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है। इसमें बहुत सी बातें हैं, थोड़ी सी नहीं बहुत सी बातें हैं। मैं आपको बताऊं कि यह वो कानून है जिस कानून में यह बात कही गई कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को कौन गैर एससी एसटी का कोई सदस्य, इसमें वो सारी की सारी बातें बताई गई हैं जो हमें करने से मना किया गया है। हमें करने से क्या आशय है जो गैर एससी एसटी के सदस्य हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य को अखाद्य पदार्थ खिलाऊं जो खाने योग्य ना हो, जिसको खाने से उसको क्षति हो सकती है। अब मेरा इंटेंशन यही है कि उसको खिलाया जाए जिससे उसको नुकसान हो, या मैं अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य को अपेय पदार्थ पिलाऊं जो पीने योग्य ना हो, या मैं अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य का कपड़ा मैं फाड़ दूं, नंगा कर दूं, उसके जिस्म पर उसके चेहरे पर कालिख पोत कर सार्वजनिक स्थानों पर टहलाऊं, या अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य के घर के इर्द गिर्द जानबूझकर कूड़ा करकट मलमूत्र एकत्रित करूं, या अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाले जलाशयों या कुआं को जानबूझकर गंदा करूं, या अनुसूचित जाति जनजाति की भूमि पर सदोष कब्जा करूं, या अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य को बलात्श्रम करने के लिए मैं बाध्य करूं, जिसे बधुआ मजदूरी कहा जाता है, बॉन्डेड लेबर कहा जाता है, बधुआ मजदूरी करवाता हूं, या अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य को वोट न देने के लिए बाध्य करूं,
या किसी के पक्ष में वोट देने के लिए बाध्य करूं, या किसी पब्लिक सर्वेंट से, किसी लोक सेवक से उसकी शक्ति का प्रयोग अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य पर को नुकसान पहुंचाने के लिए मैं प्रेरित करूं। जैसे मान लीजिए कोई दरोगा हो या आपका परिचित, मेरा परिचित कोई अधिकारी हो, उस अधिकारी से कहूं कि आपके पास पावर है, इसको जानबूझकर आप परेशान करिए, प्रताड़ित किया जाए, या मैं जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करूं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसे अपमानित करूं, या अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य को उसका घर या उसका गांव छोड़ने के लिए मैं बाध्य करूं, अनुसूचित जाति जनजाति की महिला का यौन शोषण करूं, उसकी सहमति के बिना यौन संपर्क स्थापित करने का संभोग करने के प्रयास करूं, तो ऐसे मामले की जांच करेगा कौन? पुलिस उपाधीक्षक पंक्ति का अधिकारी। और ऐसा आरोप अगर सिद्ध हो गया तो विशेष न्यायालय में इसकी जांच होगी, और जांच होने पर आरोप अगर साबित हो गया तो न्यूनतम 6 माह कारावास और अधिकतम 5 वर्ष कारावास की सजा का प्रावधान है। यह एक प्रकार का मैं प्रोविजन बता रहा हूं। दूसरे प्रकार का प्रोविजन देखिए, इस अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में, कि यदि मैं अग्नि या विस्फोटक से उसकी संपत्ति को नष्ट करूं, अग्नि से या विस्फोटक से उसके संपत्ति को नष्ट करूं, और ऐसा आरोप अगर साबित होता है तो न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 7 वर्ष कारावास की सजा का प्रावधान है। यह दूसरा मैंने बताया। तीसरा, कि यदि अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य के जानबूझकर मैं कोई ऐसा अपराध करता हूं जिस अपराध के लिए आईपीसी में 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है, मान लीजिए एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति सामान्य वर्ग के व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है और उसमें उसने अपराध किया और आरोप साबित हो गया और कोर्ट ने उसे 10 वर्ष कारावास की सजा दी, अगर वही अपराध में जानबूझकर अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य के साथ करता हूं और वह आरोप साबित हो गया कि जानबूझकर मैंने उसके साथ ऐसा किया है, तो 20 वर्ष की कारावास से हमें दंडित किया जाएगा। यह तीसरा है। चौथा टाइप देखिए, कि यदि मैं अनुसूचित जाति जनजाति की के द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले पूजा स्थल को अग्नि या विस्फोटक से नष्ट करूं और यह आरोप साबित हो गया कि मैंने जानबूझकर ऐसा किया है, तो आजीवन कारावास की सजा भी मौजूद है। पांचवा प्रोविजन, कि यदि मैं अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य के विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य दूं, गलत साक्ष्य दूं, गलत साक्ष्य देने के पीछे इंटेंशन क्या है, कि उसे ऐसे आरोप में दोषी ठहराया जाए जो मृत्यु दंड से दंडनीय है, अगर यह आरोप साबित हो गया कि इसने जानबूझकर उसके खिलाफ मिथ्या साक्ष्य दिया जिससे उसे ऐसे दंड से दंडित किया जाए जो मृत्यु दंड से दंडनीय है, तो मुझे भी मृत्यु दंड से दंडनीय बनाया जाएगा। इस पर आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने, यह वही कानून था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कानून का मिसयूज हो रहा है, उसके सामने बहुत सी बातें आई, समाज में भी हमारे बहुत सी बातें आई कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का मिसयूज हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अगर किसी के ऊपर इस कानून के उल्लंघन का आरोप लगता है तो तुरंत उसके विरुद्ध FIR दर्ज ना हो, और दूसरा कि उसे अरेस्ट ना किया जाए बल्कि जांच किया जाए। तो इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सर्वत्र विरोध हुआ, OBCs और SC/ST मिलकर एजिटेशन किए। नतीजा यह हुआ कि भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को रद्द करने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 संशोधन किया और यह प्रोविजन किया जिस प्रोविजन से सुप्रीम कोर्ट का वह निर्णय रद्द हो गया, अर्थात पुनः इसकी स्थिति स्थापित हो गई कि अगर मैं ऐसा आरोप करता हूं तो तुरंत FIR भी दर्ज होगी और अरेस्ट भी किया जाएगा, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में बताई गई जो बातें हैं अगर वो साबित होता है तो वो संज्ञेय अपराध है, अशमनीय है और अजमानतीय भी है। संज्ञेय का मतलब होता है कि ऐसा अपराध जिसमें 7 वर्ष से अधिक की सजा हो, अगर ऐसा मैं अपराध करता हूं तो बिना वारंट के, बिना न्यायालय के वारंट के पुलिस को गिरफ्तार करने का अधिकार हो जाता है।
अशमनीय, जिसका शमन नहीं किया जा सकता, बुझाया नहीं जा सकता, अजमानतीय, जमानत भी नहीं होगी। तो इस कानून के द्वारा भी हमने समानता को स्थापित, इस मूल अधिकार के द्वारा भी समानता को स्थापित करने का प्रयास किया गया। लेकिन अभी भी हमारे समाज में विषमता थी, अभी भी हमारे समाज में विषमता थी। अंग्रेजों के शासनकाल में आपने देखा, राजवाड़ों के शासनकाल में भी आपने देखा कि राजा महाराजा के द्वारा शासन किया जाता था, और जो राजा के प्रति विशेष लगाव रखते थे, राजा की प्रशंसा करते थे, उनको बहुत सी पदवी दी जाती थी, बहुत सी पदवी दी जाती थी। अंग्रेजों के समय में भी जारी रहा कि अंग्रेजों ने जो उपाधियां दी, वह उपाधियां ऐसे लोगों को दी गई जो वास्तव में ब्रिटिश साम्राज्य के वफादार थे, उसके प्रति लायल थे। आवश्यक था कि जिन लोगों को उपाधियां दी गई थी, वो लोग अपने आप को समाज के अन्य लोगों की तुलना में सुपीरियर समझते थे, जिससे अन्य लोगों में हीनता की भावना ग्रसित होती थी। परिणाम स्वरूप लाइन डिस्क्रिमिनेशन, पंक्ति विभेद पैदा हुआ। एक लाइन में खड़े होने वाले लोग, एक तरफ कुछ लोगों को उपाधियां दी गई, बाकी लोगों को नहीं दी गई। दिया किसको गया था? जो वाकई में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार थे। अस्पृश्यता के बारे में मैंने बताया, अब उसके बाद से अभी भी मैंने कहा कि समाज में हमारे विषमता मौजूद थी। वह विषमता कौन थी? तो उसके लिए टर्म यूज होता है पंक्ति विभेद, लाइन डिस्क्रिमिनेशन। ये लाइन डिस्क्रिमिनेशन मौजूद, वजह उसका कि आप देखेंगे कि अंग्रेजों के शासनकाल में जो उपाधियां दी गई थी, जो भी उपाधि दी गई थी, चाहे नाइटहुड की उपाधि हो, चाहे कैसरे हिंद की उपाधि हो, जिसे अंग्रेजी सरकार ने दिया था, ये उन लोगों को दिया था जो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति लॉयल थे, या अंग्रेजों को लगता था उन लोगों के बारे में कि ये हमारे प्रति वफादार हैं। तो जिन लोगों को ऐसे उपाधियों से सम्मानित किया गया था, वो लोग अपने आप को अन्य लोगों की तुलना में सुपीरियर समझते थे। दूसरे लोगों के मन में हीनता की भावना, इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाती थी। तो ऐसे लाइन डिस्क्रिमिनेशन कि जिनको उपाधियां मिली और जिनको नहीं मिली, एक लाइन में खड़ा किया जाए, तो उपाधि को पाने वाले लोग अपने आप को सुपीरियर समझते थे, इसी को कहते हैं लाइन डिस्क्रिमिनेशन। अब जरूरी था कि इस लाइन डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने के लिए क्या किया जाए? उपाधियों का अंत किया जाए। आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 के द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया। लेकिन सोचना यह है कि किन उपाधियों का अंत किया गया? तो 26 जनवरी 1950 से पहले जिसे ब्रिटिश सरकार ने दिया था, उन उपाधियों को समाप्त करने की घोषणा की गई कि अब हमारी भारत सरकार हो चाहे राज्य हो, नाइटहुड की उपाधि किसी को नहीं देगी, अर्ल की उपाधि नहीं देगी, ड्यूक की उपाधि नहीं देगी, सर की उपाधि नहीं देगी, या कैसे हिंद की उपाधि नहीं देगी। ऐसे उपाधियों को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। 18 के सेक्शन 1 में क्या कहा गया कि राज्य शिक्षा और सैन्य उपाधि के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया 18 के सेक्शन 1 में कि राज्य शिक्षा और सैन्य उपाधि के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। तो आज देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में कितनी उपाधियां दी जाती हैं, कौन देता है? राज्य देता है। उसके लिए राज्य द्वारा क्राइटेरिया भी निर्धारित किया जाता है। सैन्य उपाधियां जैसे कर्नल की हैं, ब्रिगेडियर आदि, ये सब उपाधियां हैं। और ऐसे उपाधियों को जो शिक्षा और सैन्य क्षेत्र में दिया जाता है, ऐसे उपाधियों का नाम के साथ प्रयोग भी किया जाता है। तो राज्य शिक्षा और सैन्य उपाधि के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। तो 18 के सेक्शन 2 में नागरिकों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर सेक्शन 1 राज्य को प्रोहिबिटेट किया कि राज्य शिक्षा और सैन्य उपाधि के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, तो 18 के सेक्शन 2 में नागरिकों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया कि कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। तो 18 के सेक्शन 3 में भी कहा गया, 18 के सेक्शन 3 में भी कहा गया कि यदि कोई विदेशी भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई विश्वास या लाभ का पद धारण किया है, यानी कॉन्फिडेंशियल या सीक्रेट विश्वास या लाभ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड किया है, तो ऐसा व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से
कोई उपाधि ग्रहण तभी करेगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे। फिर एक बार सुन लें कि 18 के सेक्शन 3 में किसके बारे में, कि यदि कोई विदेशी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन विश्वास या लाभ का पद धारण किया है तो वह किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि तभी ग्रहण करेगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे। 18 के सेक्शन 4 में व्यक्ति के बारे में कहा गया कि यदि कोई भी व्यक्ति भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई विश्वास या लाभ का पद धारण किया है तो वह किसी विदेशी राज्य से कोई उपहार हो या कोई गिफ्ट हो वो तभी लेगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे। तो यहां पर समानता का अधिकार हमारा समाप्त होता है। अब मैं शुरू कर रहा हूं स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में दिया गया, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19-22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। कॉन्सेप्चुअल बातें, स्वतंत्रता आखिर किससे, राज्य से, राज्य से, कि राज्य का स्वतंत्रता के प्रति क्या दृष्टिकोण। तो देखिए इसमें दो प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं। मुझे स्वतंत्रता का अधिकार क्या कि मैं इस देश में कहीं पर भी आ सकता हूं जा सकता हूं, तो राज्य को प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अब सोचना हमको यही है कि जब लोकतंत्र आया ब्रिटेन में, आप देखेंगे कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद जब डेमोक्रेसी वहां पे आई तो बहुत से विचारक थे जैसे एडम स्मिथ था, हार्वर्ड स्पेंसर था, ये व्यक्तिवादी विचारक। इन लोगों के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ क्या था, प्रतिबंधों का अभाव, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंधों का अभाव। किससे प्रतिबंध, तो राज्य को व्यक्ति के किसी भी कार्य पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं। तो अगर राज्य व्यक्ति के किसी भी कार्य पर प्रतिबंध न लगाए तो यह लिबर्टी नहीं है, यह स्वच्छंदता हो जाएगी। फिर मेरे में और जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। मैं इस सड़क पर कोई किसी भी सड़क पर चल रहा हूं तो आपको मालूम है कि सड़क पर हम चलेंगे तो लेफ्ट साइड से चलेंगे, साइकिल वाले हैं तो किनारे से चलेंगे, बाइक वाले हैं तो यहां पर चलेंगे, इतने स्पीड से चलेंगे। जानवर तो कहीं पर भी जा सकता है, जानवर स्वच्छंद हैं, लेकिन हम सिविलाइज्ड हैं। मैं सिविलियन हूं, सिविलियन होने के नाते मैं सिविलाइज्ड हूं। तो स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि उचित प्रतिबंधों का होना। रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, उचित प्रतिबंधों का होना। उचित को हम तर्कसंगत कहें या युक्तियुक्त, युक्तियुक्त, रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का होना। मुझे स्वतंत्रता का अधिकार है, मैं जो भी बोलना चाहूं बोलूं, लेकिन बोलने का अर्थ नहीं कि मैं जो चाहूं वो बोलूं। अगर मेरे बोलने से भारत की प्रभुता अखंडता प्रभावित होती है तो राज्य क्या करेगा, प्रतिबंध लगा देगा। और ऐसा प्रतिबंध निश्चित रूप से क्या होगा, उचित होगा, तर्कसंगत होगा या रिजनेबल होगा। तो कभी भी स्वतंत्रता का अर्थ पूछता है स्वतंत्रता किससे, राज्य से, कैसी स्वतंत्रता, तो उचित प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्रता, मर्यादित जीवन, मर्यादित जीवन। अगर प्रतिबंध ना लगाया जाए तो फिर स्वतंत्रता अपना अर्थ खो देगी। जानवर जहां चाहे वहां गंदगी कर सकता है, जानवर जहां चाहे वहां गंदगी कर सकता है, इंसान जहां चाहे वहां गंदगी नहीं कर सकता, उसे एक दायरे में रहना होता है। दुर्भाग्य है कि आज का हमारा यंग जनरेशन स्वतंत्रता के इसी अर्थ को समझता है जिसका अर्थ होता है प्रतिबंधों का अभाव। वह किसी भी प्रकार के प्रतिबंध को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। आप देखिए कि सड़क के किनारे चलते हैं लोग खड़े खड़े पेशाब करते हैं, यह स्वतंत्रता नहीं है।
मैं अपने कपड़े लिबास पहनता हूं, लिबास पहनने की आजादी है, लेकिन लिबास पहनने का मतलब यह नहीं कि मैं अर्धनग्न रहूं, क्योंकि उसका प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ेगा, गलत असर पड़ेगा। राज्य को अधिकार है कि उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दे। आज कोविड-19 से पूरा देश, पूरा विश्व जो है कि प्रभावित है। हमें थूकने पर मना किया गया, थूकने की आजादी है लेकिन कहीं पर थूकने की आजादी नहीं है, एक दायरे में हमें आजादी दी गई है। अगर उस दायरे को स्वीकार ना करूं तो फिर मैंने कहा आपसे कि लिबर्टी अपना अर्थ खो देगी, फ्रीडम अपना अर्थ खो देगा। आइए उसी की चर्चा मैं शुरू कर रहा हूं कि स्वतंत्रता आखिर किससे, राज्य से, कैसी स्वतंत्रता? पॉजिटिव लिबर्टी, मैं कोई ऐसा कार्य करता हूं जिससे दूसरे के ऊपर कोई गलत असर पड़ता है तो राज्य को अधिकार है कि मेरे उस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दे। तो यह भी हो सकता है कि राज्य मनमाना प्रतिबंध भी लगा सकता है। मैंने कोई कार्य किया, उस कार्य का किसी दूसरे के ऊपर कोई गलत असर नहीं पड़ा, उसके बावजूद भी राज्य ने प्रतिबंध लगा दिया तो मुझे तो फंडामेंटल राइट से कंपेल्ड किया गया, तो मैं राज्य के उस प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस आधार की जांच की जाएगी, ये बात पूछी जाएगी कि आपने जो उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया है वो आधार क्या है, तो राज्य के द्वारा ये बात बताई जाएगी कि इस आधार पर मैंने प्रतिबंध लगाया है, तो सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के द्वारा उस आधार की जांच की जाएगी और जांच से पाया गया कि वाकई में उसके द्वारा किए गए कार्य से किसी के ऊपर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा था तो राज्य के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को अवैध घोषित कर देंगे। हम इसी की चर्चा आपके बीच करने जा रहे हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। इस स्वतंत्रता के बारे में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक पूरा दिया है और अनुच्छेद 19 से मैं शुरू कर रहा हूं। अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19 के सेक्शन 1 में देखिए क्या लिखा है, प्रत्येक नागरिक को, यानी ये वो मूल अधिकार है जो सिर्फ इस देश के नागरिकों को है, फॉरेनर्स को नहीं है, प्रत्येक नागरिक को। क्या? तो 19 के सेक्शन 1 का सबसेक्शन ए, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। बहुत चर्चे का विषय है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन एवरी सिटीजन को है। मैं इस देश का नागरिक हूं और यही डेमोक्रेसी की पहचान है, लोकतंत्र की पहचान है। जिन देशों में लोकतंत्र होगा, डेमोक्रेसी होगी, वहां के नागरिक के पास यह अधिकार होगा, और जिस देश में डेमोक्रेसी नहीं होगी वहां के नागरिकों के पास यह अधिकार नहीं होगा। चीन जैसे देशों में ये वहां के नागरिकों के पास अधिकार नहीं है, उत्तर कोरिया जैसे देशों में वहां के नागरिकों के पास अधिकार नहीं है, सऊदी अरबिया जैसे देशों में वहां के नागरिकों के पास अधिकार नहीं है, ऐसे बहुत से देश हैं। तो जिन देशों में डेमोक्रेसी होगी वहां के रहने वाले लोगों को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, और जहां पर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होगी वहां पर एब्सेंस ऑफ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो सवाल यह उठता है कि क्या चीन के लोग अपनी बात नहीं कहते हैं? क्या कहते हैं? फिर फर्क क्या है? तो फर्क है, लोकतंत्र में रहने वाले लोगों को सरकार के नीतियों की आलोचना करने के साथ साथ, सरकार के नीतियों की प्रशंसा करने के साथ साथ, उसके नीतियों की, उसके कार्यक्रमों की, उसकी आलोचनाओं की कमियों की धज्जियां उड़ाने का अधिकार होता है। लेकिन जिस देश में लोकतंत्र नहीं है वहां के नागरिक वहां की सरकार के नीतियों की, वहां के सरकार की प्रशंसा के अलावा आलोचना नहीं कर सकता, आलोचना करेगा उसका गला घोंट दिया जाएगा। मैं कह सकता हूं कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के नागरिक को सरकार की प्रशंसा के अलावा कोई और अधिकार नहीं होता। अब आइए, मैं किसी भी विषय पर विचार कर सकता हूं, आजादी है, न केवल विचार कर सकता हूं बल्कि एक्सप्रेस बोलने का भी अधिकार है। बोलने का ही अधिकार नहीं है, विचार करने के साथ साथ बोलने का ही अधिकार नहीं है, बल्कि मौन रहने का भी अधिकार इस विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, राइट टू साइलेंट वेस्टेड इन राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मौन रहने की आजादी भी इस अधिकार में शामिल है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें दी गई। अब हम अगर सार रूप से कहें तो बहुत से विचारक हुए या आप हैं, किसी भी विषय पर न केवल चिंतन करते हैं बल्कि उस पर बोलते भी हैं, बोलने की भी आजादी है, लेकिन एक दायरे में। अब दायरा देखिए, 19 के सेक्शन 2,
में लगाया गया, भारत की प्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, मैत्रीपूर्ण देशों के साथ संबंध, अपराध उद्दीपन, न्यायालय की अवमानना और मानहानि, ये सारे दायरे हैं। मुझे किसी भी विषय पर, मैंने जैसे कहा कि मैं भारत सरकार के द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों की प्रशंसा करने का अधिकार रखता हूं, तो उसकी आलोचना करने का अधिकार भी रखता हूं, और सरकार मेरी आलोचना से अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करेगी। किसी भी विषय पर मुझे बोलने से रोका नहीं जा सकता, यह लोकतंत्र का दमन होगा। है तो बहुत सी चीजें, क्योंकि क्रैश कोर्स है और कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को हमको लेकर चलना है, इसलिए यहां पर मुख्य बातें आपके सामने कि विचार अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन ऐसे विचार अभिव्यक्ति की आजादी एक दायरे में है, वो दायरा आपके सामने है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अधीन है, युक्त प्रतिबंधों के अधीन है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ ये कतई नहीं कि मैं जो चाहूं वो बोलूं। अगर मेरे बोलने से भारत की प्रभुता, अखंडता, या राज्य की सुरक्षा, या कानून व्यवस्था, या सदाचार मोरालिटी, या हेल्थ, या मैत्रीपूर्ण देशों के साथ संबंध, या अपराध उद्दीपन, या न्यायालय की अवमानना हो या मानहानि हो, जैसे मैंने कोई विचार व्यक्त किया जो भारत की प्रभुता के ऊपर गलत, इंडियन सॉवरेंटी के खिलाफ है, तो राज्य को अधिकार है कि राज्य क्या करे, रिस्ट्रिक्शन लगा दे, प्रतिबंध लगा दे। मैं कोई ऐसी बात कहता हूं जिससे भारत की इंटीग्रिटी प्रभावित हो रही है, मैं कोई ऐसी बात करता हूं जिससे स्टेट की सिक्योरिटी प्रभावित हो सकती है, मैं कोई ऐसी बात कहता हूं जिससे लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो सकता है, या मोरालिटी के खिलाफ है, जैसे गाली गलौज ये नैतिकता के खिलाफ है, मैं कोई ऐसी बात कहता हूं जिससे हेल्थ प्रभावित होता है, या मैं कोई ऐसी बात कहता हूं जिससे भारत और किसी अन्य देश के बीच जो बेहतर रिलेशन है, रिश्ता है, वो रिश्ता प्रभावित हो, या मैं कोई ऐसी बात कहता हूं जिससे अपराध को बढ़ावा मिले, उद्दीपन का मतलब होता है कैटलिस्ट, बढ़ावा, अपराध को बढ़ावा मिले, या मैं कोई ऐसी बात कहता हूं जिससे न्यायालय की अवमानना हो या मानहानि हो, तो राज्य को अधिकार है कि क्या करे, प्रतिबंध लगा दे। अब ऐसे प्रतिबंध को अगर मैं चैलेंज करूंगा तो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में चैलेंज करूंगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच की जाएगी या हाई कोर्ट के द्वारा जांच की जाएगी, तो राज्य से ये बात कही जाएगी कि फला व्यक्ति ने किसी विषय पर राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया, यानी विचार अभिव्यक्ति का इस्तेमाल किया, आपने उसके ऊपर प्रतिबंध क्यों लगा दिया, तो राज्य ये बात कहेगा, राज्य सरकार के तरफ से या भारत सरकार के तरफ से जो महान्यायवादी होगा या महाधिवक्ता होगा अपना पक्ष रखेगा, और पक्ष रखते हुए कहेगा कि फला व्यक्ति ने जो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल किया वो भारत की प्रभुता या इनमें से किसी के खिलाफ थी, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बात कही जाएगी कि राज्य के द्वारा लगाया गया प्रतिबंध क्या है, युक्तियुक्त है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में। कहने का उद्देश्य कि मेरी स्वतंत्रता भी एक दायरे में है, मैं जो चाहूं वो करूं, नहीं, यह स्वतंत्रता का अर्थ नहीं है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने का अधिकार है, लेकिन एक दायरे में, मैं एक दायरे में आपको पढ़ा रहा हूं, और वो भी पढ़ा क्या रहा हूं, अपना विषय में भी क्या, एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ा रहा हूं। अगर इस स्पेसिफिक टॉपिक के अलावा कुछ और पढ़ाने लगू तो मैं कह सकता हूं कि मैं अपनी स्वतंत्रता का मिसयूज कर रहा हूं। तो जिस बैनर तले पढ़ा रहा हूं वो बैनर तले पढ़ाने वाला मेरे ऊपर रोक लगा देगा कि आपको आजादी दी गई है लेकिन आजादी में ये करना है, आप मिसयूज कर रहे हैं। तो जरूरत है
आज के नौजवानों को स्वतंत्रता का समझने की। और जहां तक उस स्वतंत्रता के अधिकार में राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात रही, मैंने आपसे कहा कि इसके ऊपर एक प्रतिबंध है, तो अनुच्छेद 19(1)(क) के ऊपर प्रतिबंध का उल्लेख या प्रोविजन किस अनुच्छेद में है? 19 के सेक्शन 2 में बताया गया कि अनुच्छेद 19 के सेक्शन 2 में ये दायरे बताए गए और इन आधारों में से किसी भी आधार पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है, इनके अलावा किसी और आधार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है। यूपीएससी इसी को टारगेट करता है। अब इसकी हम अगर व्याख्या करते चले जाएं तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में न केवल मैं अपने किसी विषय पर विचार व्यक्त कर सकता हूं बल्कि दूसरे के विचार को भी व्यक्त कर सकता हूं। इतना ही नहीं बल्कि जितनी बातें मैं आपके सामने की, मेरी यह कोशिश है कि ये सारी की सारी बातें पूरे देश के रहने वाले जो कंप्यूटर्स हैं वो भी जाने मेरे अंदर कितना दम है कि अपनी बात वहां तक पहुंचा सकता हूं। तो इसके लिए जरूरी है क्या साधन, और वही साधन क्या कहलाता है? प्रेस या मीडिया। प्रेस की स्वतंत्रता, अब इस प्रेस की स्वतंत्रता पर भी देखिएगा सवाल पूछा हुआ है कि प्रेस की स्वतंत्रता किसमें निहित है? अनुच्छेद 19 के सबसेक्शन क में, या पूछ दे कि निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता इनविजिबल अदृश्य रूप में अनुच्छेद 19(1)(क) में शामिल है? प्रेस की स्वतंत्रता या मीडिया की स्वतंत्रता? सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करते हुए अनुच्छेद 19(1) की व्याख्या की और उसी व्याख्या से प्रेस की स्वतंत्रता को इससे निकाला। तो प्रेस की स्वतंत्रता किसमें शामिल है? अनुच्छेद 19(1) में। क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, अदृश्य रूप में शामिल है। अब इस प्रेस की स्वतंत्रता में बहुत सी बातें हैं, प्रेस की स्वतंत्रता में बहुत सी बातें हैं, जैसे प्रिंट मीडिया। देखिए, प्रिंट मीडिया भी विचार अभिव्यक्ति का साधन है। जब देश हमारे देश में जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो जो हमारे नेशनल हीरो थे उस दौरान कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई ऐसा मंच नहीं था जिस मंच से हम देश की बातों को उठा सकें या अंग्रेजों के सामने हम अपनी समस्याओं को रख सकें। लेकिन ये वही प्रिंट मीडिया अखबार थी जिस अखबारों के द्वारा हमने अपनी बात कहनी शुरू की। तो ये वो प्रिंट मीडिया यानी ये वो अखबार थी जिसने भारत में राष्ट्रवाद की भावना को न केवल विकसित किया बल्कि राष्ट्रवाद की भावना से लोगों को उत्प्रोत कर दिया। आपको मालूम होगा कि अंग्रेजों को यह बात रास नहीं आई तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्या उसमें कानून में प्रोविजन किया गया कि जो भी समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे हैं अगर वह देशी भाषा में प्रकाशित होंगे यानी बंगाली में, मराठी में, कन्नड़ में, हिंदी में, उर्दू में, तो कोई भी समाचार पत्र अगर देशी भाषा में प्रकाशित होगा तो उसको उसकी मशीनें जब्त कर ली जाएंगी। तो छापा किस में जाए? अंग्रेजी में। अंग्रेजी आता कितने लोगों को था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, हमारा गला घोंटा गया, जिसके वजह से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हम गैगिंग एक्ट भी कहते हैं। आज हमारा देश आजाद हुआ तो ये वो अखबार था जिस अखबार को पढ़कर हमें नेशनल इंटरनेशनल इशू के बारे में जानकारी मिलती थी। इस प्रिंट मीडिया ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में काम किया, डेमोक्रेसी को मजबूत किया। लेकिन आज आप देख लीजिए कि इस प्रिंट मीडिया के बारे में भी लोगों के मन में जो विश्वास था वो विश्वास कहीं ना कहीं से तार तार हो गया है। ऐसी मीडिया या ऐसे प्रेस अब लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने के रूप में काम नहीं कर रहे हैं बल्कि व्यावसायिक दृष्टिकोण अपना लिए, धन अर्जन का काम कर रहे हैं। कोई भी न्यूज़पेपर आप उठा लिए, एक्सेप्शनल की बात मैं नहीं करता, सामान्य बात कर रहा हूं कि प्रिंट मीडिया को अगर उठा के देख लें तो पहले पेज पर फला संस्था का प्रचार, पूरे न्यूज़पेपर में प्रचार ही प्रचार मिल रहा है। क्या कहेंगे? तो मैं कह सकता हूं कि प्रिंट मीडिया जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपने आप को स्थापित किया था, वह प्रिंट मीडिया अपना रोल धीरे धीरे लोकतंत्र की अपेक्षा व्यावसायिक उद्देश्य को पाने में लगा दिया है।
अब देखिए प्रिंट मीडिया में, इसी प्रिंट मीडिया में बहुत सी ऐसी बातें छापी जाती हैं, बहुत से ऐसे सामान होते हैं, आयल होते हैं, जिनका प्रचार करता है प्रिंट मीडिया में, उसका प्रचार आता है। अब आप देखें कि प्रिंट मीडिया में ऐसे बहुत से पदार्थ होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जिनका प्रचार किया जाता है, लेकिन उसमें से कई ऐसे उत्पाद होते हैं जिनका जो नैतिकता को भी प्रभावित करते हैं और हेल्थ को भी प्रभावित करते हैं। राज्य को अधिकार होना चाहिए कि ऐसे प्रिंट मीडिया में छपी बात के ऊपर प्रतिबंध लगा दे, लेकिन राज्य क्या रोल अदा कर रहा है यह भी किसी से छिपा नहीं है। इस प्रिंट मीडिया के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखिए जितने सोशल साइट हैं, फेसबुक हो चाहे ट्विटर हो चाहे इंस्टाग्राम हो या टेलीग्राम हो या व्हाट्सएप हो, क्या चल रहा है ये तो देश विदेश की खबरें हम न केवल पढ़ते थे बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू विजुअलाइज करते, अब देखने लगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई घटना घटित हुई, हम साक्षात उसको देख रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ इसका रोल और भी देखिए कि इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ऐसी ऐसी चीजों को दिखाना शुरू कर दिया जिससे जो न केवल नैतिकता के खिलाफ बल्कि हेल्थ के खिलाफ भी, स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रभाव। गूगल पर सर्च करते हैं लोग, गूगल पर सर्च करते हैं हम पढ़ाई के बारे में, लेकिन दूसरा पहलू भी है कि क्या क्या देखा जाता है। ऐसे अपराध को नियंत्रित करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 पास हुआ, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पास हुआ था, जिसे आप संक्षेप में साइबर क्राइम कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आज साइबर क्राइम किस रूप में आगे बढ़ रहा है, यह वही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसमें व्हाट्सएप आपको मैंने बताया, जिस पर ट्विटर बताया, जिस पर मैंने फेसबुक बताया। फेसबुक पर, फेसबुक भी एक प्लेटफॉर्म है, विचारों को अभिव्यक्त करने का एक साधन है, लेकिन उस फेसबुक पर कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, सब अपनी मर्यादा भूलते चले जा रहे हैं। तो यह जिम्मेदारी किसकी है? यह जिम्मेदारी तो राज्य की है कि अगर उस सोशल साइट पर कोई ऐसे विचार व्यक्त कर रहा है, विचार को व्यक्त करने में अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, लेकिन राज्य क्या कर रहा है? व्हाट्सएप पे हम कैसे कैसे मैसेज एक दूसरे को भेजते हैं, अश्लील मैसेज आता है, गूगल पर हम अश्लील वीडियो पोर्नोग्राफी देखते हैं। यह राज्य की जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर रोक लगाए। इस प्रेस की स्वतंत्रता में आपके सामने बुक्स भी हैं, किताबें भी हैं, किताब भी है। अगर अरस्तु की किताब आप मार्केट से खरीदते हैं, प्लेटो की किताब खरीदते हैं, या चंचोर साहब की किताब खरीदते हैं, या डीडी बसु या रूपा मंगलानी या सुभाष कश्यप या एसएम सईद की किताब खरीदते, मुखराज जैन की या बीएल फाड़िया की या लक्ष्मीकांत की या एवीडीआईसी की किताब खरीदते हैं या अर्नेस्ट बार्कर की किताब खरीदते हैं या गांधी जी की किताब खरीदते हैं, तो किताब भी किसी ने लिखा होगा, उस किताब के माध्यम से वो अपनी विचारों को व्यक्त कर रहा है। तो दूसरे तरफ भी इस किताबों में भी कुछ ऐसी किताबें हैं जो न केवल नैतिकता के खिलाफ है बल्कि स्वास्थ्य के खिलाफ भी है। कुछ ऐसी भी पुस्तकें जो भारत की प्रभुता और अखंडता के खिलाफ थी, जिनके ऊपर भारत सरकार ने बैन लगा दिया था। मैगजीन है, मैगजीन भी है, मीडिया में मैगजीन भी आता है, मैगजीन के थ्रू भी लेखक अपनी बात को आप तक पहुंचा रहा है। उन मैगजीनों में भी दो दो रूप के मैगजीन हैं। देवनायर जैसी मैगजीन भी हमारे देश में छपती है और धड़ल्ले से बिकती भी है, बड़े अच्छे से लोग, एक इलीट क्लास है हिंदुस्तान का जो उस देवनायर जैसे मैगजीन को खरीदता है, लेकिन देवनायर की आप तस्वीर देखिए, जो तस्वीरें छपी रहती हैं अर्ध नग्नता में होती है, अर्ध नग्नता में वो तस्वीर छापते हैं जो नैतिकता के खिलाफ है, हेल्थ के ऊपर भी गलत असर छाप रहा है। हमारे देश में जो बच्चे हैं उन बच्चों के मस्तिष्क के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर हम दायरा बढ़ाएं तो फिल्म भी है, फिल्में हैं, सीरियल्स है, टेलीविजन पर बहुत से सीरियल आते हैं, उसी टेलीविजन पर फिल्म के साथ साथ फैशन शो भी आता है। विचार अभिव्यक्ति का साधन है, हम फैशन का प्रदर्शन कर सकते हैं, फैशन के थ्रू हम अपने नेशन को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। मल्टी कल्चरल सोसाइटी हमारे देश की है, बहुत सांस्कृतिक समाज वाला है,
एक नहीं कई पोशाक, कई परिधान के लोग इस देश में रहते हैं। हम ऐसे पोशाक पहन सकते हैं जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करे, हमारे देश के संस्कृति को सकारात्मक रूप से प्रतिष्ठित करे। लेकिन फैशन शो में देखिए किस चीज का शो होता है। फैशन होना चाहिए, फैशन शो होना चाहिए, लेकिन किस चीज का? वस्त्र का। लेकिन उस फैशन शो में अंग का प्रदर्शन होता है। उस अंग का प्रदर्शन नैतिकता के भी खिलाफ है और हेल्थ के ऊपर भी प्रभावित पड़ता है। फिल्में आपके सामने हैं, सीरियल्स आपके सामने हैं, फिल्म हम लोग देखते हैं। बहुत सी ऐसी फिल्में आई, मदर इंडिया जैसी फिल्में आई थी, क्रांति जैसी फिल्में आई थी, आंखें जैसी फिल्में भी आई थी, दो बीघा जमीन भी थी, तो डर्टी जैसी पिक्चर भी, माना कि डर्टी जैसी पिक्चर हमारे सोशल इश्यूज पर बनाई गई, लेकिन उसमें जो चीजें दिखाई गई हैं उनका समाज के ऊपर क्या असर पड़ेगा? लोगों की सोच किस प्रकार विकसित होगी? आज के तो डायरेक्टर आप देखते हैं, फिल्म को हम समाज का आईना कहते हैं, लेकिन डायरेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया कि हीरो हीरोइन है, हीरोइन है, लिबास पहना है। लिबास किस रूप में होता है? हमारे देश कि नारी को दुर्गा अभिव्यक्त करती है, काली अभिव्यक्त करती है। नंदिता दास अभिव्यक्त करती है, रानी गिदारी अभिव्यक्त करती है, रानी लक्ष्मीबाई अभिव्यक्त करती हैं। लेकिन फिल्मों में आप देखो डायरेक्टर कभी ना कभी उनका पल्लू गिरा देगा, दुपट्टा गायब कर देगा। आज तो पूरे का पूरे फिल्मों में आप देखिए, ये फिल्म ही है जिस फिल्म के वजह से पूरे मार्केट से दुपट्टा गायब हो गया। मैं दुपट्टा पहनने का समर्थक हूं, लेकिन इसके लिए मैं किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता। लेकिन जो उसके अच्छाई है उसको तो मैं बता ही सकता हूं कि ये हमें पहनना चाहिए जिससे हमारी पर्सनैलिटी में निखार आ जाए, हमारे व्यक्तित्व में निखार आ जाए। आज आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, अल्लाह पाक आप सारे लोगों को कामयाब करें, इंटरव्यू फेस करेंगे, तो हमारे घर की लड़की अगर इंटरव्यू को फेस करेगी तो आप सोचिए वो ड्रेस कैसी पहनेगी? क्या फिल्मों में जैसे हीरोइनें पहनती हैं ज्यादातर वैसी ड्रेस पहन के जाएंगी? नहीं, हम ऐसे ड्रेस पहनकर भेजेंगे अपने बहन को जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता हो, हमारे देश को रिप्रेजेंट करता हो, तो फिर हम ऐसे ड्रेस को क्यों ना बढ़ावा दें? तो निश्चित रूप से फिल्म भी इस प्रिंट मीडिया में शामिल। एक और बात मैं बता दूं आपसे कि रेडियो भी है, रेडियो में बहुत से गाने आते हैं, गाने को भी कोई ना कोई लिखता है, उस गाने के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगला उगले सोना मोती, मेरे देश की धरती कहे के तो सभे के आपन आपन कहा वाला के बा, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगाहबान है आंखें। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, कहिए तो आसमां से आसमां को जमीन पर उतार लाएं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। ये भी गाने थे, लेकिन उलेला उलेला ये क्या है, ये क्या है? प्रयागराज से आप बनारस के तरफ चले जाइए, प्रयागराज से जौनपुर के तरफ चले जाइए, आजमगढ़ चले जाइए, बलिया चले जाइए, हमारे घर की आपके घर की लड़कियां अगर बैठी रहेंगी तो उन बसों में किस प्रकार के गाने, टेम्पू में किस प्रकार के गाने बजाए जाते हैं? भोजपुरी, वह भोजपुरी जिसके बारे में मैंने आपको कहा कि हे गंगा मैया मोहे तोहे पियरी चढ़ेबे सैया से कर दे मिलन मारम, ये भी एक गाना था। गाना के माध्यम से लिखने वाला अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। तो वह भोजपुरी जो कभी मिठास का प्रतीक थी, वह उस भोजपुरी को अश्लीलता का पर्याय बना दिया। निरहुआ रिक्शा वाला मिसिर जी, यह राज्य की जिम्मेदारी है कि ऐसे गानों के ऊपर प्रतिबंध लगा दे। क्यों? क्योंकि यह न केवल नैतिकता के खिलाफ है बल्कि हेल्थ के ऊपर भी गलत असर डालता है। इसी बात को लेकर मैं आगे बढ़ा कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कुछ लोगों के द्वारा यह मांग उठी कि विचार अभिव्यक्ति के रूप में विरोध करने का भी अधिकार है, हड़ताल करने का भी अधिकार है, राइट टू स्ट्राइक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू स्ट्राइक इज नॉट ए फंडामेंटल राइट्स, हड़ताल करने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। तो यह अनुच्छेद 19(1) का मैंने बताया, जिसके ऊपर लगाए गए प्रतिबंध आर्टिकल 19 के सेक्शन 2 की भी जिक्र मैंने किया। आर्टिकल 19 के सेक्शन 1 का सब सेक्शन बी यानी ख, शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता,
मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं इस देश में कॉन्फ्रेंस कर सकता हूं, मैं एड्रेस कर सकता हूं, लेकिन शर्त है क्या कि वह शांतिपूर्ण हो, और शांतिपूर्ण होने के साथ साथ क्या हो, निरायुद्ध विदाउट एनी आर्म्स, निरायुद्ध बिना अस्त्र और शस्त्र के। सम्मेलन करने की आजादी है, लेकिन इस पर भी दायरा है, और दायरे का उल्लेख देखिए किसमें है, 19 के सेक्शन 3 में। क्या भारत की प्रभुता, अखंडता और लोक व्यवस्था, ये तीन प्रतिबंध लगाए गए हैं। स्वतंत्रता का अर्थ उचित प्रतिबंधों का होना, हमारे स्वतंत्रता का अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है किसको, राज्य को। तो अनुच्छेद 19(1) के सेक्शन बी में शांतिपूर्ण और निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता है। इस देश के किसी भी भाग में हम शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, बिना अस्त्र शस्त्र का सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सम्मेलन से अगर भारत की प्रभुता या उसकी इंटीग्रिटी या लॉ एंड ऑर्डर इफेक्टिव होता है, तो राज्य को अधिकार है कि इनमें से किसी भी आधार पर सम्मेलन पर प्रतिबंध लगा दे। तो इसलिए आप देखते होंगे कि कहीं पर भी लोग सम्मेलन करते हैं तो सम्मेलन करने से पूर्व जिलाधिकारी से परमिशन लेना पड़ता है, और जिलाधिकारी तभी परमिशन देगा जब उसके सम्मेलन करने से यह पता चल जाए कि भारत की प्रभुता अखंडता के ऊपर कोई गलत असर तो नहीं पड़ेगा या लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित तो नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो निश्चित रूप से सम्मेलन करने की परमिशन दे देगा। जैसे हम मोदी जी की बात करें, 2014 का इलेक्शन होने वाला था, उस इलेक्शन के दौरान पब्लिक एड्रेस कर रहे थे कैंपेनिंग के दौरान, तो बनारस जाने वाले थे, लेकिन बनारस के जिलाधिकारी ने सम्मेलन करने की अनुमति नहीं दिया। वजह कि LI की रिपोर्ट थी कि जिस जगह पर वो सम्मेलन करेंगे, लोगों को एड्रेस करेंगे, उसकी कुल क्षमता 40,000 की है और लोगों के आने की संभावना 1.5 लाख से ऊपर की थी। तो निश्चित रूप से अगर परमिशन दे दिया जाता तो 1.5 लाख तक भी लोग आते या उससे ज्यादा आते तो ये कानून व्यवस्था प्रभावित होता। तो सम्मेलन करने की आजादी है, लेकिन उस स्वतंत्रता से भारत की प्रभुता या इंटीग्रिटी या लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित होता है तो राज्य ऐसे सम्मेलन पर प्रतिबंध लगा देगा। 19(1)(c) वो भी देखते हैं, आर्टिकल 19(1) का सबसेक्शन सी, संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, बनाने की स्वतंत्रता। यह सहकारी समितियों संबंधित जो संशोधन है वो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में जोड़ा गया, इसको कोऑपरेटिव कमिटीज को। मैं इस देश का नागरिक हूं, और जाहिर सी बात है कि मैं इस देश का नागरिक हूं तो मैं एसोसिएशन कर बना सकता हूं, कोई संगठन बना सकता हूं। आज आपके देश में देखिए इतने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इतने प्रेशर ग्रुप हैं, महिलाओं का संगठन है, गुलाबी गैंग आपके सामने है, किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए किसान संघ बना है, मजदूरों की रक्षा करने के लिए मजदूरों का संघ बना हुआ है। हमारे देश में बहुत से कोऑपरेटिव कमिटीज हैं जिनका काम क्या है, एक दूसरे की मदद करना, कोऑपरेट करना। बाढ़ के समय देखते होंगे कि बहुत सी समितियां सामने आ जाती हैं, लोगों की मदद करते हैं। आज COVID-19 का हमारा भारत देश शिकार है, हम प्रभावित हैं उससे, देश हमारा उबरने की कोशिश कर रहा है, लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, तो ऐसे समय में कोऑपरेटिव कमिटियों के भी रोल अपने थे। मास्क निःशुल्क बांटा गया, ये क्या है, ये कोऑपरेटिव कमिटी सहकारी समितियां होती हैं। तो इस देश का अगर नागरिक हूं तो मुझे बनाने का अधिकार है, मैं संगठन बना सकता हूं, और बहुत से संगठन, मैंने आपसे कहा छात्र संघ उसमें है, व्यापारियों का संगठन है, मजदूरों का संगठन है, महिलाओं के ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए गुलाबी गैंग आपके सामने है कि अगर एक महिला के ऊपर अत्याचार पुरुषों के द्वारा किया जा रहा है तो निश्चित रूप से वह महिला अकेले कुछ नहीं कर सकती, लेकिन संगठन की ताकत उसे जब मिलती है तो उस महिला के ऊपर हुए हुए अत्याचार के खिलाफ वह संगठन न केवल आवाज उठाती है बल्कि उस महिला को न्याय भी मिलता है। तो संगठन बनाने का अधिकार है, लेकिन यह भी दायरे में है। इसके ऊपर प्रतिबंध का उल्लेख 19 के सेक्शन 4 में है, वो कौन कौन से आधार हैं, तो भारत की प्रभुता
सॉवरेंटी ऑफ इंडिया एंड इंटीग्रिटी, सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और तीसरा सदाचार। सदाचार संगठन बनाने का अधिकार है हमारे देश में। आप देखते होंगे कि बहुत से, जैसे मान लीजिए एनएससीएन है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालिम है, उल्फा है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, पीपुल्स वार ग्रुप है, तालिबान जैसा संगठन भी है, सिमी जैसा संगठन भी है, इंडियन मुजाहिदीन जैसा संगठन भी है, लश्कर ए तोयबा जैसा संगठन भी है, लिट्टे जैसा संगठन भी है। तो क्या लोगों को ऐसे संगठन बनाने का अधिकार है? लेकिन ये जितने संगठन मैंने बताया आपको, ये वो संगठन है जिन्होंने हमारे सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ काम किया, जिसके वजह से राज्य ने क्या किया, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, उनके एक्टिविटीज को बैन कर दिया गया। तो संगठन बनाने का अधिकार है, लेकिन ऐसा संगठन हमारे सॉवरेंटी और हमारी इंटीग्रिटी के ऊपर या मोरालिटी के ऊपर गलत असर डालता है तो राज्य उसके ऊपर क्या करेगा, बैन लगा देगा। संगठन बनाने का अधिकार दो लोगों को नहीं दिया गया, एक डिफेंस फोर्सेस को और दूसरा वेश्याओं को। डिफेंस फोर्सेस को क्यों नहीं दिया गया? तो सिक्योरिटी के लिए। अगर आज डिफेंस फोर्सेस को संगठन बनाने का अधिकार होता तो अपने देश के विभिन्न भागों में देखते हैं, किसी भी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी के खिलाफ अगर कंपनी एक्शन लेती है तो ये क्या करते हैं, स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, धरना प्रदर्शन, काम प्रभावित, उत्पादकता, उत्पादक क्षमता प्रभावित। तो अगर डिफेंस फोर्सेस को संगठन बनाने का अधिकार होता और उनका संगठन होता और उनको जाने का आदेश दिया जाता कि सियाचिन ग्लेशियर पर फलाने बटालियन को जाने का आदेश दिया जाता तो धरने प्रदर्शन बैठ जाते, हम नहीं जाएंगे। तो ये देश की सुरक्षा के लिए जरूरी था कि डिफेंस फोर्सेस को राइट टू एसोसिएशन न दिया जाए, बनाने का अधिकार न दिया जाए। दूसरी तरफ वेश्याओं को, जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं, वेश्यावृत्ति अनुच्छेद 23 में आप देखेंगे कि मानव के दुर्व्यापार, दुर्व्यापार में देह व्यापार भी शामिल है, रोक लगा दिया गया, रोक लगा दिया गया। अगर इनको संगठन बनाने का अधिकार होता तो ऐसी वेश्याएं अपने बैनर तले उस भारत सरकार के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन करती कि वेश्यावृत्ति शुरू करो, शुरू करो। यह सदाचार के खिलाफ है, नैतिकता के खिलाफ है। इसलिए दो लोगों को, डिफेंस फोर्सेस को और प्रोस्टिट्यूशन में शामिल जो महिलाएं हैं उनको संगठन बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है। 19 के सेक्शन एक का सबसेक्शन डी, भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता। मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं इस देश के किसी भी पार्ट में सर्वत्र एवरीवेयर अबाध विदाउट एनी ऑब्स्टिकल, विदाउट एनी ऑब्स्टिकल संचरण, घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। मैं इस देश में कहीं पर भी आ सकता हूं, जा सकता हूं, लेकिन इस पर भी दायरा है, प्रतिबंध है, और उस प्रतिबंध का उल्लेख किसमें है, 19 के सेक्शन 4 में, 19 के सेक्शन 4 में। और वो प्रतिबंध क्या है, 19 के सेक्शन 4 नहीं, क्षमा करें, 19 के सेक्शन 5 में प्रतिबंध है। क्या? साधारण जनता का हित और अनुसूचित जनजाति का हित। अब देखिए, अब आप, मैं इस देश में कहीं पर भी आ सकता हूं, जा सकता हूं, कोई रोक टोक नहीं, तो कहीं पर भी एवरीवेयर सर्वत्र एवरीवेयर विदाउट एनी ऑब्स्टिकल, इसका मतलब नहीं किसी घर ही में घुस जाइए, कॉमन सेंस की कुछ बातें होनी चाहिए। मैंने कहा आपसे कि स्वतंत्रता किससे, राज्य से, कैसी, मनमानी, एक दायरे में। मैं सिविलियन हूं और सिविलियन होने की शर्त है कि वो सिविलाइज हो, जब सिविलाइज होगा तो जिस सोसाइटी में रहेगा उसी को सिविल सोसाइटी बोलते हैं। तो आजादी मिली है, क्या आजादी मिली है, कि मैं इस देश में कहीं पर भी आ सकता हूं, जा सकता हूं, और अपने पर्सनालिटी का जो इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट होता है उसको डेवलप करूं, लेकिन मेरे आने जाने से साधारण जनता का हित प्रभावित होता है तो राज्य बैन लगा देगा, प्रतिबंध लगा देगा। राज्य को प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। बहुत से नेता लोगों को देखते होंगे आप,
कि जब इलेक्शन होता है उस इलेक्शन के दौरान पब्लिक मीटिंग उनकी होती है, कैंपेन करने के दौरान जाते हैं तो बहुत से नेताओं को जाने से मना कर दिया जाता है, बीच में ही अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि ये जाएंगे और बोलेंगे, जब बोलेंगे तो साधारण जनता का हित प्रभावित होगा, लाइन डॉलर कोलैप्स होगा। एक उदाहरण दिया मैं, दूसरा उदाहरण दे दीजिए कि मैं इस देश में कहीं पर भी आ सकता हूं, जा सकता हूं, लेकिन अनुसूचित जनजाति के हित को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे इस अधिकार पर रिस्ट्रिक्शन लगाने का राज्य को अधिकार है। एग्जाम्पल के लिए, जहां पर अनुसूचित जनजातियां होती हैं उनकी बारे में आपको मालूम होगा, ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे, अगला हमको लग रहा है कि लेक्चर ज्योग्राफी का ही आएगा, तो उसके बारे में मालूम होगा कि जनजातियों की भाषाएं अलग होती हैं, उनके लाइफ स्टाइल अलग होती है। तो ऐसे अनुसूचित जनजाति का जो इलाका है, जैसे मान लीजिए कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो मध्य प्रदेश में है अनुसूचित जनजातियों का, तो जहां पे वो रहते हैं वहां पे अगर जाते हैं तो उनकी भाषा तो अलग होगी, इसलिए वहां पर जाने से पहले हमें जिलाधिकारी से परमिशन लेना होगा, और जब जाएंगे तो वहां पर द्विभाषी होगा कि हम अपनी भाषा में बोलेंगे और वह उस बात को उनकी भाषा में ट्रांसलेट करके बताएगा। तो यह भी दायरे में है। ऐसे ही अनुच्छेद 19(1) का सबसेक्शन ई, 19(1) का सबसेक्शन ई क्या कहा गया, भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, इस पर भी प्रतिबंध है। उस प्रतिबंध का उल्लेख किसमें है, 19 के सेक्शन 5 में, मैं इस देश का नागरिक हूं और नागरिक होने के नाते इस देश में कहीं पर भी अस्थायी रूप से निवास कर सकता हूं, चल अचल संपत्ति खरीद सकता हूं, बेच भी सकता हूं, लेकिन अगर मेरे निवास करने से साधारण जनता का हित प्रभावित होता है तो राज्य प्रतिबंध लगा देगा, रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। अनुसूचित जनजाति का जो इलाका होता है वहां पर निवास करने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि उनके अपनी स्पेसिफिक कल्चर होते हैं, उनके स्पेसिफिक कस्टम्स होते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल अलग होती है। भारत के बारे में मैंने बताया कि मल्टीकल्चरल डायमेंशन, मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, ऐसा बहुसांस्कृतिक समाज है जिसमें रहने वाले लोगों की अनेक भाषा होती है, अनेक बोलियां होती हैं, उनके रहन सहन अलग होते हैं, जैसे तो ऐसे अनुसूचित जनजातियों की परंपराओं की, उनके रूढ़ियों की, उनकी अलग पहचान की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी राज्य की है। तो निवास करने से अगर अनुसूचित जनजातियों का हित प्रभावित होता है तो राज्य मुझे अस्थायी निवास करने से मना कर सकता है, राज्य को अधिकार है। इसमें एक और बचा अनुच्छेद 19(1)(ई) का जी, क्योंकि एफ को एबॉलिश कर दिया गया, निकाल दिया गया, जिसमें संपत्ति के अर्जन और बयान की बात थी कि हम संपत्ति न केवल प्राप्त कर सकते हैं बल्कि उसको बेच भी सकते हैं, यह मूल अधिकार था जिसको 44वां संशोधन 1978 में जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उसको फंडामेंटल राइट से एबॉलिश कर दिया, डिलीट कर दिया और उसको भाग 12 में शामिल किया और उसके लिए अनुच्छेद 300 कैपिटल ए इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम लोग आज राइट टू प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसको लीगल राइट्स बना दिया। तो अनुच्छेद 19 के सेक्शन 1 का सब सेक्शन एफ को डिलीट कर दिया गया, तो बचा क्या जी, क्या कि मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं कारोबार कर सकता हूं, वृत्ति कोई प्रोफेशन कोई व्यवसाय भी कर सकता हूं, मुझे उपजीविका की आजादी भी है, मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं कोई भी कारोबार कर सकता हूं, मैं वृत्ति कर सकता हूं, प्रोफेशन वृत्ति कहते हैं, प्रोफेशन जैसे वकालत करना यह भी एक वृत्ति है, डॉक्टर लोग हैं तो ऐसा करने का अधिकार है, मैं उपजीविका कर सकता हूं, लेकिन अगर इससे 19 का सेक्शन 6 साधारण जनता का हित प्रभावित हो तो राज्य मुझे ऐसे कारोबार करने से रोक सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, हम आप सारे इस देश के नागरिक हैं और जीवन संघर्ष की कहानी चल रही है, कोई नौकरी पाने की होड़ में है तो कोई बिजनेस में लगा हुआ है जिससे वो सर्वाइव कर सके, एक सम्मानपूर्ण जिंदगी गुजार सके। अब आप देखिए कि मैं अगर कोई कारोबार करता हूं और उस कारोबार से साधारण जनता का हित प्रभावित होता है तो राज्य को अधिकार है कि रिस्ट्रिक्शन लगा दे, और ऐसा रिस्ट्रिक्शन रिजनेबल होगा, युक्तियुक्त, हम उसको प्रतिबंध कहते हैं,
इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जो भी शराब की दुकानें हैं वो मानव बस्ती में नहीं होंगी और जो नेशनल हाईवे होगा उससे 300 मीटर की दूरी पे होंगी। लेकिन आज आप देख लीजिए कि जहां मानव बस्ती है, जहां पे लोग रहते हैं, स्कूल कॉलेज का जो कैंपस होगा वहां पे शराब की दुकानें नहीं होंगी। लेकिन आप देखिए, एकदम प्रैक्टिकली देखिए कि आज शराब की दुकानें कहां पे हैं। पता चला कि कहीं फ्लैट है, अपार्टमेंट बना है, उसके नीचे बियर की दुकान खुली है। साधारण जनता का हित प्रभावित होता है। राज्य को अधिकार है कि प्रतिबंध लगाए। मैं ये सवाल पूछता हूं एक देश का नागरिक होने के नाते, क्यों? क्योंकि आई हैव राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मेरे पास विचार अभिव्यक्ति का अधिकार है। मैं सरकार से यह सवाल पूछता हूं कि जब ऐसे शराब के दुकान से साधारण जनता का हित प्रभावित हो रहा, घर किसी का बगल में, शराब की दुकान बगल में, और कस्टमर जाकर दुकान के बंद होने पर किसी के घर का दरवाजा खटखटाकर पूछता कि दुकान कब खुलेगी, अब आप बताइए कि उसका हित प्रभावित होगा कि नहीं होगा। तो मैं राज्य से यह सवाल पूछता हूं कि क्या राजस्व इकट्ठा करने के वजह से साधारण जनता के हित को आप प्रायोरिटी नहीं देंगे? राज्य को अधिकार है कि इसके ऊपर रोक लगाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का